सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। देखो अब सवाल है नदियों के बारे में, टॉपिक हमारा वही है, टॉपिक हमारा वही है जल प्रदूषण, कि जल कैसे प्रदूषित हो चुका, जल कैसे प्रदूषित हो रहा। और जल के प्रदूषण के बारे में मैंने तो बताया था, एक ही दिन ही मनाया गया था 1974 में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, याद होगा होगा। इसके तहत एक बोर्ड बनाया गया था CPCB, ये भी तुम्हारे याद होगा, ऐसा लग रहा घर का मेंबर हो सर, ऐसा समझ लो। वो भी एक जमाना था, तुम्हें पता ही नहीं था इसके बारे में। CPCB का पूरा नाम भी पता होगा, ऐसा समझ लो। इसके काम भी पता होगा, काम क्या हो उसका, मानक जारी करना, निगरानी करना, कार्यवाही करना, एक्शन करना, तीनों काम पता। सबसे पहले ने जल के लिए कांड करा, और जब जल के लिए काम करा, मानक जारी कर दिए, क्योंकि अरे भाई ये जल है ना, मैंने कहा जी जल है, तो जल तुम्हें चेक करना है, जल सही है बेकार है, अच्छा जी चेक करना, तो पहले चेक करो उसके अंदर DO है क्या, और DO जितना ही ज़्यादा होगा इतना ही बेहतर होगा। इसका मतलब क्या हो, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, यही हो डिमांड नहीं डिजोल्व ऑफ ऑक्सीजन होगा। साथ साथ चले फल तुम्हें भी पढ़ ले करो, पढ़ लो। इसका मतलब घुलित ऑक्सीजन, अगर घुलित ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो जल अच्छा माना जाएगा, यानी जल को चेक करना नहीं सही है गलत हो, चेक करो उसके अंदर DO कितना, ऐसे वजह अगर DO जितना ही ज़्यादा हो जाएगा इतना अच्छा होगा। उसके बाद BOD चेक करते हैं, और BOD का मतलब वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर उसके अंदर कितनी अधिक मात्रा में जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, मांग आ रही है, इसका मतलब ज़्यादा कीटाणु उसके अंदर, क्योंकि ज़्यादा कीटाणु ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसका मतलब उसके अंदर तो BOD ज़्यादा ना किसी जल का, तो इसका मतलब बेकार हो, वो प्रदूषित हो चुका है। जिसके अंदर BOD बढ़ चुका है ना, उसको प्रदूषित हो चुका है। जैसा BOD था ऐसा ही CO2 था, केमिकल ऑक्सीजन और डिमांड, तो CO2 दोनों ऐसे ही थे। उसके बाद हमने क्या चेक करा था, pH वैल्यू, तो पानी में ना तो बताया था पानी का pH मान अगर ज़्यादा होगा तो तब भी घातक, कम होगा तब भी घातक, 7 से 8 के बीच होना चाहिए, वो बेहतरीन माना जा, समझ ही बात या ठीक। ज़्यादा कम होगा तो अम्ली कहलाएगा, ज़्यादा होगा तो क्षारीय कहलाएगा, और दोनों ही आपके लिए घातक, समझ ही बात या। और साथ भी नहीं होना चाहिए पूरा उदासीन, कि उसके अंदर तो अगर वो खत्म हो चुका तो उदासीन हो जाएगा पानी, इस तरह सिर्फ प्यास बुझाएगा, औषधि का काम नहीं करने का, यह बात भी ना तुम्हें बताइए। उसके बाद ये तीनों चारों से चीज़ें समझा दी मैंने तुम्हें, फिर उसके बाद क्या, ई कोलाई की संख्या देखेंगे हम। ई कोलाई की संख्या अगर ज़्यादा हुई तो तब भी दिक्कत, कम हुई नहीं हुई तो वो भी दिक्कत, एक सीमित मात्रा होनी चाहिए। उसके बाद बताया था मैंने तुम्हें पानी को ना 4-5 कैटेगरी में बांट देते, A, B, C, D, E, जो ए और बी वाला कैटेगरी का पानी ना उसे तुम पी सकते हो, उसके बाद तुम स्नान तक भी कर सकते हो, उसके बाद तुम स्नान नहीं कर सकते, वो गंदी नाली का पानी बन जाए, फिर वो भी किसी का काम का नहीं है तुम्हारे, वो ए और बी कैटेगरी का पानी तो सही है, उसके बाद नीचे का पानी तुम्हारा खराब हो वो तबाह कर देगा तुम्हें, तो बी कैटेगरी का तो पानी ठीक है। 5 कैटेगरी में बांट रखा है A, B, C, D, किसने बांटा है पानी को, मरना CPCP ने, आया बात समझ में ठीक। वहाँ उन्होंने कुछ फिर मामले ही पढ़े, फिर हमने कुछ फिल्टर पढ़े थे, एयर फिल्टर बता रहे, आर ओ फिल्टर RO+ तो पढ़ाया था, RO UV पढ़ाया था, RO+ UV वाला पढ़ाया था मैंने तुम्हें, फिर बताया था मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें अंदर बिसलरी जो पानी की बोतल बिक्री भी मार्केट में उसका कितना बुरा हाल है, ये सब चीज़ें पढ़ी थी हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बताओ, TDSC तो पढ़ा था, TDSC पढ़ लिया था, टोटल डिजोल्व सॉल्ट जिसे बोलते हैं, पानी के अंदर भी चेक करते हैं, TDSC भी चेक करते हैं, फिर कौन कौन सी बीमारियां हो रही है, सुपोषण बढ़ता है, यूट्रोफिकेशन जिसे बोलते हैं, उसका चित्र नहीं बनाया तुमने यूट्रोफिकेशन का, हाँ बड़े महान हो ना तुम, आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। सुपोषण जो का एल्गी बूम हो जाता है जिसे बोलते हैं, हाई एल्गी बूम के हम जैसे मानते हैं, पानी पूरा का पूरा हरा कलर का दिखाई देगा, ये पढ़ लिया ना हमने, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके बाद हमने पता क्या पढ़ा, ये पढ़े हमने कौन कौन से इधर तो पानी के अंदर कौन कौन सी अशुद्धियाँ पाई जाती है, जैसे आर्सेनिक अगर बढ़ गया तो ब्लैक फूट डिसीज हो जाने वाली। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैंने तुम बताया था कौन सा दूसरा, फ्लोराइड नाम का रोग होगा, वो भी मैंने तुम उसका फोटो दिखाई दी अच्छे तरीके से। लास्ट में ये बीमारी पढ़ाई थी, और बताओ क्या क्या पढ़ाया था, नाइट्रेट बिलू बेबी सिंड्रोम होगा, शरीर पूरा नीला पड़ चुका हो बच्चों का, और बताओ मरकरी, इन्हें तो घोड़ी पीट दिया, पारे तो बताओ कौन सा रोग बताया था, मिनी माता कन्वेंशन भी चल रहा है आजकल, एक उसे भी तुम्हें पढ़ना चाहिए, गूगल पर जाकर सर्च करके कि मिनी माता कन्वेंशन का था, कौन कौन से देश जुड़े हैं उसमें, तुम्हारा होमवर्क है। और बताओ कैडमियम, इटाइटाई आउच आउच बोल रहे सर, अच्छा और बताओ जोड़ में हड्डी में दर्द दोस्त, और बताओ सल्फर तो क्या हुआ था, अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत हो, सैसे सल्फर सैसे सांस लेने में दिक्कत, फिर अस्थमा ही है यो, समझ आई बात, इतना मैंने पढ़ लिया। आज हमारा बिल्कुल नया टॉपिक आराम से यूज, मेन से क्वेश्चन यहाँ तो बार बार पूछ रहा तो नदी के अंदर जल नदियाँ ना यार क्या हुआ नदियों के साथ, नदी के अंदर जल कैसे प्रदूषित हो चुका, अब जो नदियों का जल कैसे प्रदूषित होगा, प्रदूषण कैसे चेक करोगे, है तो नदियों के अंदर पानी,
तो पानी तो प्रदूषित हो, सूखी नदी क्या प्रदूषित होगी, समझने की बात है। और पानी के अंदर अगर बीओडी की मात्रा ज्यादा बढ़ चुकी, इसका मतलब पानी प्रदूषित हो चुका है। पानी के अंदर सीओडी की मात्रा ज्यादा बढ़ चुकी, पानी तबाह हो चुका। पानी के अंदर पीएच मान ज्यादा हो चुका, तब पानी के अंदर पीएच मान कम हो चुका, तब भी पानी प्रदूषित है। बात समझ में आई बात? या पानी के अंदर टीडीएस की वैल्यू ज्यादा हो चुकी, ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना, कम भी होनी चाहिए, आया समझ में? ठीक ठीक। ई कोलाई की संख्या बहुत ज्यादा होगी तब तबाह हो जाएगी, अगर नहीं हुई तब तबाह हो जाएगी। तो इसका मतलब करेंगे क्या क्या, इसका ये मतलब होगा तो नदी को जल कैसे प्रदूषित होगा। क्या तुम जानते हो नदियां ना अब नाले बन चुके? हाँ, ये नदियां नहीं रही, समझने की बात है। वो गाना था ना, तेरी नदियों में बह जावा, गाना होता अब जब गाना तेरे नालों में बह जावा, समझ आएगा, नदियां समाप्त हो चुकी, तेरे नालों में बह जावा, समझ बात। मिट्टी तो बच रही है, अभी मिट्टी मिट्टी बची है, नदी नाला बन चुका, नदी नहीं है वो, नाला बन चुका, समझने की बात है। तो गाना कैसे, गाना क्या बनाएगा बाबा, क्या तेरे नालों में बह जावा, तेरे नालों में नहा जावा नहीं, बह जावा, समझाई बात यार, कोई दिक्कत बाद में फोन फोन ऊपर कर गई थी क्या देख ए चुप इधर देख। तो नदियां क्या बन चुकी, नाले बन चुकी, नदियां सूख चुकी, समझ आई बात यह। वह ऊपर से देख रही, कोई आए बचाए, मानसून आ जाओ दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे यहाँ भी आ जाओ, नहीं आता मानसून, भागो, आया समझ में। दक्षिण पश्चिम मानसून भी नहीं आया, बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून भी आए। कुछ नदियाँ तो ऐसी कहते हैं अतीत काल में बहती थी, अब विलुप्त हो चुकी, सरस्वती नदी उनमें से एक, बार बार उसका जिक्र आव, आया समझ में। यमुना की बहिन बोल रहे थे उसे, यमुना की बहिन, इसलिए अब बहुत सारी गाथाएं चलती, मैं इतिहास पढ़ता रहता हूँ ना पीछे पीछे, कहते हैं सरस्वती यमुना और गंगा ये तीनों बहिना थी, और जब बहिना थी ना ये तीनों, इनके लिए एक नाटक भी मनाया गए, समझ नहीं बात क्या। और नाटक में भी बिल्कुल यही दिखाया, सरस्वती मर जाती है, यमुना और गंगा जिंदा रहती है, सच में ये भी बताया गया। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करा, क्योंकि मैं खोजी इंसान हूँ, जब तक किसी चीज़ की तहकीकात नहीं जाता ना, क्या तो उसकी इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं करता, फिर बंद कर देता हूँ इतना करता, फिर मैं इंटरेस्ट ही छोड़ दूँ। तो मेरा परीक्षण करने की आदत, तो मैं इसकी तहकीकात तक गया, तो क्या ये तो नदियों के नाम निकले, जब नदियों के नाम लिखे फिर मैंने पता करा, रिसर्च करके पता चला सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी, आया समझ में। ऐसी ऐसी सैकड़ों नदियाँ जो भी विलुप्त होने की कगार पर, क्या नदी कोई प्रजाति क्या? अरे नदी मानव जीवन का दर्जा दे दिया उत्तराखंड की सरकार ने, नदी उत्तराखंड की सरकार कहती है नदी नहीं है, गंगा नदी नहीं है, बजा यू इंसान, इंसान को जितना प्रोटेक्शन मिलता है, इसकी भी मौलिक अधिकार, तुम इसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते, वाओ है समझ में। जिस तरह हमारे यहाँ गाय को दर्जा मिला, भैंस को नहीं मिलता, भैंस भी तो वही पशु, सोच है, सोच का फर्क है, मतलब भैंस को उठाओ जाओ कटान में काट दो, गाय थी इतना प्रेम क्यों, कल्चर तो जोड़ कर देखा जाए ना, सही बात है, पशु तो पशु ही हो तो इतना दर्द क्यों, भोले ना देखे तुम्हें भी तो बता ही रहा मान जब मैं फिलोसॉफी पढ़ाऊंगा ना, इस सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, वही बात करेंगे, अभी प्रदूषण वाला टॉपिक तो सीमित रहो, समझ में आ जाओ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी जल प्रदूषण के बारे में लिखने को आगा ना, लिखने तुम लिखने दौड़ोगे तो सारे पॉइंट तुम्हारे फटाफट धर 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 कर दो, एडिटोरियल पे आए नदी में जल प्रदूषण कैसे हो रहा है, चुपचाप उसका सुनना भी मत, आंख मीच कर इन पॉइंट पे चले जाना जो मैं बताऊंगा, कभी भी लिखने का मौका आएगा तुम्हें। तो नदी का जल प्रदूषण उसका कारण पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, कैसा तरीका होगा हमारा, नदी जल प्रदूषण का क्या कारण होगा पहले नंबर पर पढ़ेंगे, ये दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे कारण तो ढूंढ लेंगे, कुछ कारण तुम भी बताओगे जी नदी का जल प्रदूषित ऐसा हो रहा है जी, मुझे ऐसा लगा ये नाला जा रहा था जी, ऐसा हुआ जी, समझ बात यह, ये जो लोग ने लोग ये पूजा पाठ कर रहे हैं ये भी नदी का जल प्रदूषण कर रहे हैं, गंगा के अंदर जो डुबकी लगा कर रहे हैं ये मैला धोकर रहे हैं, उनकी विधि मैला फैल रहा है ना गंदी के अंदर, उन्होंने प्रदूषण फैलाया, वहीं बढ़ा रहे केमिकल जाकर, समझ में आया बात यह, ठीक, आधे खड़े होकर भी टॉयलेट कर रहे बदतमीज कहीं के, सुन लो ध्यान लगा अच्छे तरीके से, हम तुम्हें पूरी तस्वीर दिखाऊंगा, मेरे पास सबकी तस्वीर, वो तो मैंने लैपटॉप में डाटा पढ़ रखा है, आया समझ में, ऊपर तो इंग लोग डुबकी लगा रहे पल्ली तरफ खड़ा हो टॉयलेट कर रहा साइड में, आया समझ में, गंगा भी टॉयलेट कर, इतने बदतमीज आदमी यहाँ के, समझ में आया बात यार, मैंने कहा देखो नदी ये क्या हाल चाल है, बस सबकी सोच सोच है ना अलग अलग। दूसरे नंबर में हम सोचेंगे यार नदी को, नदी का जो जल प्रदूषित हो रहा है हमारे यहाँ से, नदियों भाई इतनी सारी नदियाँ 4000 के आसपास नदियाँ बहती है भारत के अंदर, समझ में बात यार, अब क्या करेंगे, मैंने कहा ना 4000 की नदियाँ बैठती है, तो ये जब वीडियो करेंगे ना इसे 4000 को साइड में लिखा के जाकर बैठ कर, इतनी महान मूर्तियाँ हैं किसी काम नहीं आने का रही हो, तो बहुत सारी नदियाँ हमारे यहाँ से,
तो जो कारण है ना, सुन लो कारण क्या है, उसके बाद सुनेंगे ना नदियों को, नदियों के अंदर जो जल प्रदूषित हो रहा उसे बचाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स करें, अपना प्रयास क्या करें, अपना प्रयास क्या करें। और प्रयास मेरे फ्रेंड का नाम था, मेरा दोस्त था एक प्रयास, पहली बार कोई दोस्त मिला है प्रयास। अब जो प्रयास हुए ना, नंबर फर्स्ट जो हमारा प्रयास करे, जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो इसके अंदर दो चीज पढ़ाऊंगा, एक तो सुन लो, एक तो हमने प्रयास करा बहुत पहले क्या, अभी हमारे यहाँ प्रयास चला है नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में चलाया हमने, नमामि गंगे। पता क्या हुआ 2014 में, जब मोदी जी आए थे, मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़े थे और वाराणसी गंगा किनारे बसा हुआ बिल्कुल, आए समझ पर, तो लोगों ने सोचा नेता तो बढ़िया, दवा को वोट दिया, आए समझ पर। राजीव गांधी, अच्छा राजीव गांधी थे जो 1984 के आसपास बने हुए जाएगा, इंदिरा गांधी मर गई थी उसके बाद राजीव गांधी बने थे, बात समझ में आई, इंदिरा गांधी तो डिलीट होगी उसके बाद राजीव गांधी बने थे, राजीव गांधी को प्यार होता है इंदिरा गांधी तो, इस तो सोनिया गांधी तो, सोनिया गांधी ने सुनेगा जिसका बच्चा और राहुल आई माई करता था, ठीक राहुल नहीं जानते क्या आजकल बाबा बनने राहुल गांधी, ठीक तो सोनिया गांधी उसे मिली थी इटली में, वो गया था कंप्यूटर खरीदने कि हमारे देश में कंप्यूटर नहीं है, 1984 की बता रहा लव स्टोरी उनकी, तो कंप्यूटर खरीदने गया, कंप्यूटर खरीदने वो बैठा था रेस्टोरेंट में बैठ कर खाना खा रहा था, जैसे मैं घूमने जाता हूँ ना इसी तरह बिल्कुल, वो बस वो इटली गया था, मैं अपने देश देश में घूमता हूँ, समझ में आया बात है, वैसे इस बार में देश तो बाहर था, सुन लो चुप जाओ, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, तो क्या होगा नहीं बताने का, ठीक एक जगह नहीं आता मैं, इसलिए मुझे इंसान नहीं कहते, इंसान नहीं कहते मुझे, कहते हैं पथिक, हाँ अभी यहाँ कहीं हो कल कोई और तो क्या बता रहा हूँ, क्या बता रहा था, हाँ चल अच्छा राजीव गांधी की बात बता रहा था, अच्छा राजीव गांधी तो वह उसमें बैठ को कॉफ़ी फिर दी, कॉफ़ी सोप बस हाय हेलो होगा वहीं से, धीरे धीरे प्रक्रिया स्टार्ट हुई, फिर इनकी उत्पत्ति आ गई, फिर राहुल पैदा हुआ, वहाँ मैं आई वाई कर गई राहुल, राहुल जो आजकल घूमता फिर हो जा, ऐसा समझ में अच्छा पढ़ा लिखा इंसान, मजाक नहीं कर रहा, इस तरह निष्कर्ष क्या निकला, लव स्टोरी थोड़ा सुनाई, राहुल गांधी ने सोनिया गांधी ने पिक्चर देखी थी बैठ कर, राम तेरी गंगा मैली हो गई, राहुल गांधी ने राहुल गांधी के बाप ने, क्या नाम है उसका, राजीव गांधी ने और सोनिया गांधी ने दोनों बैठ कर जब लव स्टोरी चली गई उन्होंने पिक्चर देखी, और पिक्चर देखी पता क्या, अरे प्रधानमंत्री और उनकी औरत भी बैठ के पिक्चर देख रही, कह रही व्हाट इज दिस, तुम्हारी इंडिया में ये नदी का जल कैसे प्रदूषित हो रहा है, उसका दिमाग खटक गया, फालतू ना बोलो इंडियन कहाँ थी, इटली की थी, अब एक ऊपर तो सकल भी देखी नहीं उसकी, सकल देखी थी ना उसकी, सकल देखी धूप पकड़ी हुई दिखाई देती वहा, हाँ अब तो ताई बन गई, समझ में आई बात यार, तो जो ताई थी ना, ताई और ताऊ की जब बात चल रही थी, ताई और ताऊ की दोनों की जब बात चल रही थी ना, समझ में आई बात यार, तो राम तेरी गंगा मैली पिक्चर आई थी, गंगा का जल प्रदूषण उसमें यही दिखाया गया, नदी का जल प्रदूषण कैसे हो रहा, देखी नहीं तुमने पिक्चर, जाकर देखना राम तेरी गंगा मैली हो गई, समझ में आई बात, तो उसमें यही दिखाया गया, तो उन्होंने पिक्चर देखी होगी, तो 1985 में इन्होंने ना पूरा का पूरा एक गंगा एक्शन प्लान तैयार कर दिया 10 साल का, राजीव गांधी इतने प्रभावित हुए, अच्छा ये कहानी है, समझ में आई बात है, कभी जगह समझ लो, इसे भी नोट्स पर लिख रहे हैं बैठ ये समझ में आया बात है, उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने पिक्चर देखी होगी उसने कहा टेंशन मतलब पहले शादी कर लो उसके बाद देखोगे, साफ साफ इंगे तो इन गंगा एक्शन प्लान लेकर आया राजीव गांधी 10 साल तक, पहला योजना तीन प्लान आए तीन, तुम्हें जानकार नहीं होगी, तीनों पर लगभग 30,000 करोड़ 20,000 रुपये 20,000 करोड़ रुपये खर्च हो गए तीनों प्लानों पर, अमाउंट कम था 30 सालों में तो समझ जाओ, और 2014 तक चलेंगे क्योंकि फिर मोदी जी चले आए थे, जब मोदी जी चले आए थे ना कह रहे ये सब बकवास था फ्लॉप थे, हम बताएंगे 5 साल में गंगा किस तरह साफ हो, आया समझ में, हम बताएंगे ना क्या बताएं तो कल परसों के बच्चे, 30 सालों में गंगा गंगा नहीं साफ हुई, ओमा भारती का नाम सुना, मोदी सरकार इतनी संवेदनशील, चुनाव तो जीतना ही था, गंगा नाम का मंत्रालय बना दिया 2014 में, अब बंद पड़ा, आया समझ में, मंत्रालय बना दिया, और मंत्रालय तो बनाई इनकी मंत्री ने, मेरे सामने की बात मैं कैसे भूल सकूं, इनके वादे झूठे झूठे वादे, उमा भारती ना नाम न्यू गहरी खड़ी होकर मैं मंत्री पद इस्तीफा दे दूंगी अगर मैंने गंगा ना साफ करी, ये उसका भाषण ना यूट्यूब पर जाकर पढ़ना, समझ ऑन रिकॉर्ड, चलो अब मैं राजनीति में है नहीं वैसे, समझ नहीं बात कोई बात थी, बाद में जाके इस्तीफा दे भी दिया, उसे पता था गंगा साफ होने की नहीं, भारत के लोग मानने के थी, आए समझ में,
ये कालू और टू कोरी है टॉयलेट करना छोड़ने के लिए इसलिए हमारे आगे जो कालू और टू कोर रहे जतिन जतिन आ रहे हैं ये देवुदा बोल रहे हैं टॉयलेट करना नहीं छोड़ने के सुन सो इनके लोगों को अकल नहीं आने की ये हमारे जो पड़ोस का रामपाल है ना इनका गंग के अंदर जागा फिर सामग्री डालगा उसके अंदर समझ बा ए तो समझ में आ गया उन्होंने सोचा एक काम करो चुपचाप इस्तीफा देने में बुलाई है तुमने दे दिया इस्तीफा अब गंगा मंत्रालय ना गंगा मंत्रालय भी जरा सूखा पड़ा समझ में आई बात है तो मंत्रालय बंद हो चुका इन्होंने 20,000 करोड़ 5 साल में रुका इन सरकार ने करे थे 30 सालों में 20,000 करोड़ हम 5 साल में गंगा 20,000 करोड़ खत्म करेंगे खत्म कर दिए 14 में 5 जोड़ को पता कितने आते हैं 19 प्लान 5 साल तक का था बधाई हो आपको गंगा साफ नहीं हुई मैंने गंगा के अंदर ना मोदी को झाड़ू मारता भी देखा मैं कैसे बोल सकता पन्नी उठा रहे थे ना फोटो तो खिंचवाना ही उसके पीछे का बैकग्राउंड तो कुछ और ही हो समझ यही बात है हाँ वो तो फोटो पब्लिसिटी वा मोदी नहीं है मीडिया मैं से मोदी मैं से मीडिया समझ में यही बात है मीडिया का खेल 2-10 दिन दिखाना बंद कर दे उसके पीछे बैकग्राउंड में कितना लोग दुखी वो भी दिखाया हाँ बेरोजगार की आत्मा कितनी दुखी वो भी दिखाया किसी मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया दिखा किसी ने सवाल भी पूछा आप देश के प्रधानमंत्री हो आपने क्या क्या अचीवमेंट कभी आज तक तो खुली कॉन्फ्रेंस भी करी क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है पॉलिटिकल में पढ़ाऊंगा तुम यही तो लोकतंत्र की हत्या अरे इसकी बात नहीं है सबकी बात है कोई सा प्रधानमंत्री आ रहा हो खुली कॉन्फ्रेंस करो पूरी सभा लगाओ और सवाल पूछो ये मानेंगे जब इसे कहते हैं लोकतंत्र इसे कहते हैं लोकतंत्र की आज़ादी फिर बताएंगे हम क्या क्या सवाल पूछेंगे आओ कभी हमारे गांव में हमारे ठिकाने पर कभी मेरे गांव आओ ना फिर बताएंगे मेरे पड़ोस की दादी तुरंत आ जाइए मेरे घर में आज भी छत नहीं है हमारे घर पर आज भी प्लास्टर नहीं हो रहा क्यों नहीं हुआ देख प्रॉब्लम लेगा हमारे यहाँ का पड़ोस का नलका आज तक किसी ने ठीक नहीं करवाया पर्दा फिर देखो प्रॉब्लम नहीं गाँव में जाओ आज भी ऐसे गाँव मौजूद है जहाँ बिजली नहीं है समझ में आई बात है दुनिया का सबसे गरीब देश पता तुम्हें कौन सा अफ्रीका के अंदर उसका नाम है बुरुंडी कभी सर्च करना जाएगा बुरुंडी के अंदर वहां की प्रति व्यक्ति आय के बारे में सर्च करना यूपी के गांव ना वो तो देश है ऐसे पूरी दुनिया में सबसे गरीब है ऐसे गांव भारत के अंदर यूपी के अंदर मौजूद है यस अपनी मैं आंखों से देखा हुआ हूँ मेरी आंखें थोड़ा धोखा खा जाएगी बिहार के अंदर इससे भी ज्यादा गरीब भी वो भी सही है इतना गरीब है बिहार प्रति व्यक्ति आय बिहार का सबसे खत्म थर्ड क्वालिटी पे चला जाओ उस बुरुंडी तो भी नीचे बिहार का प्रति व्यक्ति आय समझ में आया बात है इतनी बुरी हालत है ठीक जो बच्चे वहाँ चलते रहे आज भी किस कौन सी क्लास में सफर करते हैं तुम एक लड़की से एक लड़की है वो मेरी वीडियो देखो तुम्हारी जियोग्राफी के वीडियो देखो उससे कई साथ लगे होंगे क्योंकि अरे हमारे यहाँ एक हफ्ते में एक बार लाइट आव झारखंड की एक हफ्ते में एक बार लाइट आव और हमें 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ा फोन चलाने के लिए फोन को चार्ज करने के लिए तो ऐसा सा भी है अभी तो तुम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो तो देश के अंदर स्थिति ऐसी है समझ बच्ची जब 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 बूढ़े नई जनरेशन को काम चोर कहना छोड़ देंगे तब मैं समझ जाऊंगा देश अच्छा सुधर देश सुधर रहा है इस तरह करके मैंने सारी लिख के सुनाऊंगा सारी पढ़कर धीरे धीरे पूरी हो रही समझ में आएगा तो क्या हुआ गंगा एक्शन प्लान बनाया गया फैल 2014 में कौन आए क्या लेकर आए जय हो गंगे माता डुबकी लगाते हुए कैमरे 8 रहे सर इस एंगल तक दिखाएंगे कान भी दिखागा सर ऐसे समझ में ये भी दिखागा ऐसा समझ में अच्छा मुंह 20 बार समझ में नहीं आता ये केदारनाथ के दर्शन करने जाएंगे भगवान को कैसा बेवकूफ बना रहे ऐसे दर्शन करने जाएंगे ना कैसे कौन से कैमरे वो अंदर गुफा के अंदर तक चलते चले जाओ दिखाओगे बस टच भी कराना उंगली वो भी दिखाई जाएगी थारा वाला हो जा ऐसे समझ में इतना तो मैं भी घुमा घुमा के फोटो नहीं खींचता मुझे भी शर्मान ले चुप जाओ हद हो गई यार कभी आओ अपने ठिकाने पर भी कैमरे लेकर शशि से मुलाकात करो बता कि दुख क्या हो इसे मीडिया नहीं इसे बेवकूफ मीडिया कहते हैं समझ में आया बात या तुम्हें कभी मीडिया में जाने का सोच सर जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा हूँ घबराओ ना अच्छी वाली पत्रकारिता लिखो बढ़िया बढ़िया तगड़े तगड़े एडिटोरियल लिखूंगा जितना भी नॉलेज है ना सारा एक एडिटोरियल डाल ले करूंगा समझ में आई बात है नमामि गंगे देख लो इधर नमामि गंगे और नदी संरक्षण प्रोग्राम का चलाया ना देख लो नदी संरक्षण प्रोग्राम
नदी संरक्षण योजना, ये समझेंगे नदी संरक्षण योजना क्या है, ये कौन सा प्लान है, एनसीईआरटी से बोलती। दूसरे नंबर पर प्रयास पढ़ेंगे, नमामि गंगे में पढ़ें, ये पढ़ेंगे। अब तुम सोच रहे होंगे इसमें क्या है, इसमें क्या, दोनों चल रहे हैं, हाँ अभी दोनों चल रहे हैं, समझ में आई बात है। ये नमामि गंगे ना, इसका सेकंड फेज स्टार्ट हो रखा, सेकंड फेज का दूसरा चरण स्टार्ट हो चुका, क्योंकि 5 साल तक था, 2014 में चला गया था, पढ़ेंगे भी सर। 2014 में स्टार्ट हुआ था, मोदी जी चुनाव इसके जीतते, ठीक, क्योंकि वाराणसी गंगा के किनारे पड़ा और वाराणसी के लोगों ने, वाराणसी थे सांसद थे, समझ में आई बात है, और वाराणसी से जीते थे मैं, और भरमार मात्रा में वोट दिया था, समझ ही बात किया। और हमारे तब लहर थी ना, हर हर मोदी, तब घर घर मोदी चल रहा था, और अच्छे दिन भी आने वाले थे, क्यों, क्योंकि हम बड़ा बदलाव देखने वाले थे देश के अंदर, समझ ही बात किया। और आए है नहीं है तुरंत, अब तो ये डिमोनेटाइजेशन, क्या जानते हो डिमोनेटाइजेशन हिंदी में क्या कहते हैं उसे, नोटबंदी कहते हैं, अच्छा नोटबंदी कर दी, समझ में आई बात किया। और नोटबंदी के दौरान पता क्या पता लगा, इकोनॉमिक्स तो पढ़ा, मार्केट में फेक करेंसी चलाया, सर्कुलेट होगा, आरबीआई के पास सारे पैसे पहुंचे जितने उन्होंने छापे थे, आए 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 देख के क्या, 2 लाख करोड़ की फेक करेंसी घूम रही मार्केट में। फेक करेंसी जानते हो, इतना इतना महान लोग ऐसा ही नोट बना दिया, किसी को पहचाना भी नहीं आ रहा, तुम जो आसपास नोट दे रहे वो फर्जी होगा, कैसा होगा यह बात तो मैं तब सीखा जब मैंने फर्जी वेब सीरीज देखी, समझ बात है, इतना सारा मार्केट में पैसा सर्कुलेट, ऐसा ऐसा आर्टिस्ट पड़ा हुआ, सेम हूबहू ऐसे उतार दिया, और मार घर मशीन लगा कर छपाई चल रही दबा कर, मार्केट में वो पैसा अब भी सर्कुलेट हो रहा है, अब भी मार्केट के अंदर फेक करेंसी सर्कुलेट हो रही है हमारे यहाँ से, वो हमें पता नहीं चला तुम्हारे हाथ में जो नोट असली नकली, समझ में आया बात यार, ऐसे ऐसे गधे पैदा हुए हमारे देश में, पता नहीं क्या करना, बस जितने प्रोफेसर है ना जो पढ़े लिखे लोग, वे कभी सरकार को सपोर्ट नहीं कर लेंगे, याद रखना बात है, जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग इस सरकार को, समझ में आया बात यार, बोलने का नहीं बेचारा, चुपचाप देखो जा घास हो जाएगा, सही बात है, देखो जा घास हो जाएगा। 2014 चला दिया नमामि गंगे, बधाई हो आपको, अभी सफाई करेंगे, ठीक है, अभी आगे इसके अंदर नदी संरक्षण, ऐसे यू कहाँ, यू क्यों चलाया गया, यू केवल गंगा साफ करने के लिए चलाया गया, भारत की सभी नदियों के लिए नहीं आए, ये जो योजना चलाई हमने, सही भाई, ये जो प्लान बनाया हमने केवल गंगा के लिए, गंगा की सफाई करनी तुम, अच्छा तू गंगा की सफाई करनी यार, गंगा को ना कहाँ तक गंदी हुई है, अच्छा कानपुर के बाद गंदी हुई है, हरिद्वार तो गंगा ठीक है, हरिद्वार तक, हरिद्वार के जैसे बाहर निकला ना आज सुबह, इसमें लोग टॉयलेट करते पाए जा, इन्हें पकड़ो यार, टास्क फोर्स बना दिया हमने, घाट अच्छा घाट गंदे हो रहे थे, घाट पर हमने फोर्स खड़ी कर दी, अब जब कोई कूड़ा कचरा डालना ना हो उसको पूछेंगे क्या करने हैं, तो अगर नहीं मानना उसके लिए टास्क फोर्स, गंगा 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 के लिए प्रोटेक्शन देने के लिए फोर्स तैयार कर दी पूरी पूरी, गजब, उनकी ट्रेनिंग चल रही, ट्रेनिंग पूरी हुई उनकी अभी कुछ दिन पहले ही, इतनी खतरनाक, इतनी संवेदनशील, अच्छा गजब की बात है यार। नदी संरक्षण योजना इसका क्या मतलब है, नदी संरक्षण योजना ये क्या है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, अच्छा राष्ट्रीय तो लगाना भूलेगा, राष्ट्रीय नदी पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना ये प्लान, राष्ट्रीय नदी इसे हम राष्ट्रीय बोलते हैं एन, इसे बोलते हैं रिवर, इसका कंजर्वेशन, इसे बोलते हैं प्लान, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, ये प्लान चला रखा हमने भारत के अंदर, जो इसे लगता होगा पर्यावरण मंत्रालय को, उस नदी को सिलेक्ट कर लगा, पर्यावरण मंत्रालय बताएगा यह नदी साफ नहीं है, इसे पकड़ो, इस योजना के तहत शामिल कर लेंगे, फिर उसकी सफाई करेंगे, नदी पूरी नदी सफाई नहीं करने के, जहां तक नदी खराब होगी वो भी, अगर पूरी नदी खराब होगी पूरी नदी खराब सफाई करेंगे इस योजना के तहत, लेकिन इसके अंतर्गत कौन सी नदी आ गई, गंगा नदी को छोड़कर, गंगा नदी को हम नमामि गंगे योजना, जो नमामि गंगे चला रखा ना हमने प्रोग्राम चला रखा नमामि गंगे का, इसके तहत नदी गंगा नदी को साफ करेंगे, समझ गए ना तुम बात, ठीक, पर्यावरण मंत्रालय बताएगा, पर्यावरण मंत्रालय बताएगा कि यह नदी साफ नहीं है, या ताम्रपर्णी नदी ना यह भी गंदी हो चुकी, या पेरियार नदी ने हो चुकी गंदी, इसके गंगा के अलावा तो गंगा नदी तो आ गई राष्ट्रीय नमामि गंगे पर, नमामि गंगे में, और जो इसके अलावा जितनी भारत के अंदर नदियां ना वे इसमें आ गई, अगर उन्हें सफाई करनी होगी दोनों की, उनके अंदर तो प्रदूषण कम करना होगा, तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारा सिलेबस है, डोंट वरी। दूसरी बात हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद हमारे, मैं बता रहा पढ़ किस तरह पढ़ा, किस तरह पढ़ेंगे हम, किस तरह तुम्हारे दिमाग में पूरा फॉर्मेट तैयार कर दूंगा मैं, लिखोगे किस तरह, कभी भी जल प्रदूषण पर क्वेश्चन आया लिखने को, जल प्रदूषण पर आया तो जल प्रदूषण तो नदियों का भी तो हो रहा है, जल प्रदूषण नंद पर जल तो जोड़कर लिख दियो सही, ये दिमाग होना चाहिए, कौन सा लिखना जी आया था वहाँ जल प्रदूषण में आते ना, तो जल प्रदूषण जल नदी में नहीं आया तो नदियों जल प्रदूषण छाप दो, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, समझ में आई बात यार, तो यही तो कलाकारी सीख नहीं और क्या सीखना, कि कैसे नोट करना, सब बच्चे कर ही नहीं करते। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर पर नदी जोड़ो परियोजना, ये कितनी सफल तक रही, नदी को जोड़कर ना कैसे हम सूखा समाप्त कर दिए भाई, नदी यहाँ से राजस्थान या हनुमानगढ़ से निकाल, हम हनुमानगढ़ जिले के पास था ना, हरी के बेरा इतम नया इंदिरा गांधी नहर निकाल दी, कैसे राजस्थान का सूखा समाप्त हुआ,
ऐसे बच हमने केन और बेतवा को जोड़ दिया आपस में, केन और बेतवा को नदी को जोड़कर ना भारत के अंदर तो सूखा मिटा सकते हैं या चेन्नई के अंदर जो भारत है, भारत के अंदर चेन्नई मौजूद है, ऐसे समझो ये चेन्नई मौजूद है इस इलाके में, हैदराबाद चेन्नई ये सूखा इलाका, क्यों नहीं हमें काम करें यहाँ को, कोई नहर निकाल दे बीच में को ऊपर से ले आओ, नहर को जोड़ते जोड़ते इस तरह करके यहाँ नहर 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 पूरे भारत में जाना भी सूखा सब समाप्त हो जाएगा। तो हम जो देखेंगे नदी जोड़ो परियोजना वह कितनी सफल रही, कितनी असफल रही, तो हमने इस तरह की नदी जोड़ो परियोजना चला रखी, इस पर बार बार सवाल पूछा हुआ, ये भारत के अंदर एक बहुत खतरनाक तरीके का रोड मैप साबित हो सकता है नदी जोड़ो परियोजना, अगर इस पर अच्छी तरह काम करा जाए तो। समझ बात है, एक अंग्रेज ने सोचा था इसके बारे में, हम तमीज से पढ़ेंगे नदी जोड़ो परियोजना को, नदी जोड़ो, ये बात मैंने तुम्हें पहले बताई थी, नदी जोड़ो परियोजना जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना केन बेतवा, मैंने वहां बताया था, मैं इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा। समझ बात है, नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना इसके बारे में पढ़ेंगे, बात समझ आई ठीक। दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर हम क्या समझेंगे, बस ये तीन चीज पढ़नी है पहला, तो पहले हम सब क्या समझेंगे कारण, फिर क्या पढ़ेंगे प्रयास, फिर हम पढ़ेंगे नमामि गंगे, नमामि गंगे क्या पढ़ेंगे पहले है क्या है, पहले पढ़ेंगे क्या, तुम भी गूगल करके सारा पढ़ोगे इसके बारे में, सिलेबस इस तरह ही होगा। दूसरे नंबर पर क्या कितना सफल रहा है, कब इसकी शुरुआत हुई है, क्या है कब शुरुआत हुई इसका, और दूसरे नंबर पर इससे पहले कार्यक्रम क्या थे, पहले कार्यक्रम क्या थे, ये पढ़ेंगे पहले कार्यक्रम, इससे पहले जब नमामि गंगे नहीं आता तो गंगा की सफाई कैसे करी जाती, समझ में आया बात ये। दूसरे नंबर पर उपलब्ध क्या हुआ अस्त, उसके बाद तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे ठीक इसके सामने चुनौतियां क्या क्या है, क्योंकि जो प्लान चलाया ना इसके सामने चुनौतियां बहुत सारी, कितने पैसे खर्च करे, तुम चाहे तो गूगल पर कुछ भी पढ़ सकते हो, मैं तो इशारा दे रहा हूँ तुम्हें ऐसे पढ़ना होता, समझ आई बात यह, लेकिन जो मैं पॉइंट बताऊंगा मैं 24 घंटे दिमाग पढ़ होना चाहिए, और जहां जहां तक पढ़ने की दुकान है उस तमीज से बैठकर पढ़ना, मोटी मोटी सारी बातें सब समझा चुका हूँ मैं, इतना बता दूंगा तुम आराम से 150 शब्दों का आराम से क्वेश्चन लिख दोगे, किसी के मुंह की तरफ को देखने की जरूरत नहीं पड़ने की तुम, समझ और सारी बातें, कोई दिमाग में नई नई योजना बनाई, नई नया पोर्टल बनाया जल से संबंधित, जल प्रदूषण संबंधित, और जल प्रदूषण भी नई अथॉरिटी बनाई, तो सारा यहीं आकर लाकर ऐड कर दो, तुम्हारा दिमाग इतना शार्प हो जाना चाहिए पढ़ते 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 पढ़ते, तुम कैसे मान लोगे तुम तैयारी कर चुके, तो मान लेना जब तुम कॉपी के अंदर लिखी हुई चीज को अपने आसपास जो हो रहा है उसे रिलेट कर पाओ, यहाँ लिखा हुआ वहीं लाकर लाइन को लिखने में भलाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ग्रुप में फोटो भेजा था गांधी जी का, क्या लिखा होता उसको याद है किसी को, सार बता दो उसका, अच्छी किताबें अच्छी शिक्षक होती है, ये तो लिखा हुआ था, इसका मतलब पता क्या है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब लाइन दमदार लगी मुझे, और अच्छी बात भी है वह, गांधी जी का कोटेशन भी है, तो इसका मतलब अगर कहीं भी एथिक्स में लिखना पड़ेगा तो लाइन को मैं कोट नहीं करूंगा, मैंने कम से कम बैठ कर 50 बार रट्टा मारा उसका, समझ मेरे याद थी, मैंने पहले ही पढ़ रखी थी, रिवीजन कर लिया तो दिक्कत क्या हो रही, मुझे पता लगा मुझे कहाँ लिखना सजा टॉपिक को जाएगा, आया समझ में, क्योंकि एथिक्स में टॉपिक महान विचारक, तो महान विचारक मान लीजिए महान विचारक नहीं है तो जुड़कर टॉपिक वहाँ जाएगा, और कुछ तो संबंधित को क्वेश्चन आया रिलेट कर रहा उस तो बात या निबंध में लिखना मैं जरूर लिखूंगा इस बात को, जब तुम ऐसा करना स्टार्ट कर दो ना कि टॉपिक कहाँ जुड़ेगा और किस तरह का सवाल बन सकता है इस तो इस लाइन को जोड़ना, इसका मतलब तुम तैयारी तुम्हारी ना 70% 60% पूरी हो चुकी, और जब तक तुम ऐसा नहीं कर पाते ना इसका मतलब तुम्हारी तैयारी नहीं है, अभी तो तुम तैयारी के चरण में ही चले, फिर तुम्हारी तैयारी स्टार्ट हुई जब तुम ऐसा कर दो, समझ आएंगे वो कब होगा, अभी नहीं एकदम नहीं होता कुछ भी, नहीं नहीं धीरे 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 धीरे, लेकिन साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, कौन से पिक्चर का डायलॉग है, धूम थ्री का देखिए नहीं क्या 572 करोड़ कमाए थे इंडिया में, हाथ नहीं छोड़ना साथ नहीं छोड़ता, नहीं नहीं साहिल आ जाओ, पता नहीं क्या तुम यार पिक्चर पाचे नहीं देखते, पिक्चर देखे हो जाओ देखा, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, तो पहले हम समझने स्टार्ट कर रहे हैं यार नदी जल प्रदूषित हो कैसे रही, अब भाई जी बता दो बस, अब एडजस्ट नहीं हो रहा बिल्कुल भी ठीक, अब बताओ क्या बल आया, कारण जानो उसका, तो नदी का जल प्रदूषित कैसे हो रहा है मैं इसके कारण बताने जा रहा हूँ, नदी जल प्रदूषण का कारण मैं पूरी हेडिंग बना रहा हूँ, नदी जल प्रदूषण का कारण, नदी जल प्रदूषण का कारण, प्रदूषण का कारण, ये ऐसे कारण तुम अपने दिमाग तभी वही सब कोई हाथी घोड़े नहीं जोड़ने, बहुत सामान्य से कारण, बस तुम्हारा माइंड खोलना चाहता हूँ मैं ताकि तुम्हें विस्तार पूर्वक समझा सकूँ, समझ आई बात, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या मानना नदी का जल प्रदूषित कैसे हो रहा, समझ आई बात या ऐसे कि बहुत सारे कारण है, तुम इसे बांट भी सकते हो, कुछ तो ऐसे कारण जो औद्योगिक कारण है, कुछ ऐसे जो सांस्कृतिक कारण है, ऐसे तो इसे बांट सकते हो तुम, लेकिन लिखने का वहाँ समय ही कम हुआ, जब लिखने का समय ही कम हुआ तो इसलिए हम क्या करेंगे पॉइंट वाइज लिखेंगे, धड़ 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 कम शब्दों में ज़्यादा बात समझाने की कोशिश करेंगे, समझ आई बात या, तो पहला कारण अच्छा फैक्ट्री लगी हो आपके यहाँ,
नदी का जल कैसे प्रदूषित हो रहा है, जानवर कैसे प्रदूषित हो रहा है। क्या तुम्हें लग रहा है कि इनके इन फैक्ट्री के पास जो पानी जा रहा वो गंदा पानी नालों के माध्यम से, मुझे हमें पता गंदा पानी वो यूज हो चुका उसके अंदर, उसके अंदर बीओडी की मात्रा ज्यादा, सीओडी की मात्रा उसके अंदर ज्यादा, उसके अंदर डीओ है नहीं ज्यादा, ऐसा डीओ नहीं है उसके अंदर बिल्कुल भी, ये सब चीज ज्यादा उसके अंदर, उसका पीएच वैल्यू ज्यादा, अक्षर हो चुका पानी यार वो खराब हो चुका, उसके अंदर ई कोलाई बढ़ चुके बड़ी मात्रा में, तबाह कर देंगे मेरी ई कोलाई हम। अच्छा उसके अंदर टीडीएस नहीं है, देखो तो बीओडी कितना उसका, वो पानी ना गंगा नदी में जाकर मिल रहा। औद्योगिक क्षेत्र जो लगे हुए सीडीकुल, दिखा नहीं सीडीकुल, कानपुर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया पूरा का पूरा नदी इसके, क्योंकि हम जानते हैं, हमें इतिहास ने सिखाया जितने भी शहर पनपे ना वे नदियों के किनारे पनपे, इतिहास में बातें लिखी हुई नहीं भाई। नदी लोगों को क्या चाहिए सबसे पहले, पहली आवश्यकता उसे क्या हो, पानी, पानी, जब इंसान मरने वाला हो क्या, मम्मी पानी, पानी जब मरने वाला हो उसके अलग में डाल दो कुछ ना कुछ, समझ में आई बात, जब मरने वाला हो, जैसे मेरे पापा थे डिलीट होने थे, मैंने कहा ले हो, समझ में आई बात, आराम से दो चम्मच डाल ली, जब सबने डाला तब तक दिक्कत नहीं आती, जब तक बोल रहे थे, जैसे मैंने दो चम्मच डाली आराम से डिलीट, समझ में आई बात। तो इंसान की पहली जरूरत क्या हो, पानी, समझे, तो पानी मिलेगा ना, तो जैसे पानी था ना, तो जहाँ पानी होगा ना लोग वहीं बसना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नदी घाटियों के पास ही इंसान का जन्म हो, उसके पास ही रहना पड़ेगा, पहले तो समझ से भी नहीं आते ना, तो जो गंगा के ये शहर लगे हुए औद्योगिक शहर जितने बनाए गए हैं ताकि पानी की असुविधा ना हो, सिडिकुल हुआ, रुद्रपुर हुआ, उत्तराखंड की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, यूपी में चलो, यूपी का कानपुर हुआ, इंडस्ट्रियल एरिया पूरा का पूरा गंगा के पास, पूरा का पूरा गंगा के पास, और फिर वहां से गंदा पानी भी निकलेगा, वो नालों के माध्यम से ना उसके अंदर छोड़ा जाएगा। अब तुम्हारे जैसे वहां गन्हा भी रहे होंगे, चलो बात समझ में आई है, ये जा रही गंगा नदी, यहां बस गए छोटे छोटे शहर कानपुर, हरिद्वार का सिडकुल, सिडकुल के पास से निकला नाला, तो चलेगा, और इतने स्टाइल तक बनाओ उसके ऊपर ढक दें ताकि किसी को महसूस भी ना हो, आराम से जाकर नाला मिल जा, पुलिस वाले चेक करना हो वो 100-200 रुपये देख काम चल जाओ ना, तो और जाता रहा पैसा, वे भी कहाँ देख रहे, होना चाहिए क्या है, पता क्या होना चाहिए, सीवर प्लांट लगाया जाना चाहिए, उसी पानी को हम साफ करके, ऐसी तकनीक हमारे पास मौजूद है, उसे मेहनत लग, पानी तो जा रहा है बीच में रोक लो उस पानी को, उसके अंदर जो बी ओ डी की मात्रा ज़्यादा बढ़ चुकी है ना उसे साफ करके भेजा जा सके, ऐसे प्लांट को लगाने में खर्चा रहा, तो कंपनी ने ऐसे प्लांट लगाती नहीं, अब कोई कोई कंपनी ऐसा प्लांट लगाने स्टार्ट कर दिए, तो जो औद्योगिक गलियारे हो ना, औद्योगिक क्षेत्र वहां से जो नालों का उद्गम हुआ वो बिना सीवर प्लांट के नदियों में जाकर मिल रहे, इसी कारण नदियों का जल प्रदूषित हो रहा। पहला पॉइंट समझ में आया, ठीक है, तो मैं पहला पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, औद्योगिक कचरों का बिना साफ किए, औद्योगिक कचरे, औद्योगिक कचरों का, कचरों का बिना साफ किए, बिना साफ किए, साफ किए नदी में मिलना, नदी में मिलना, इतना ही लिखने का मौका मिलेगा तुम, वो समझ जाएगा इतनी बात, समझ गया कहना क्या चाह रहा है, बच्चा क्या कहना चाह रहा है दूसरे नंबर पे, इतनी बात बताओ समझ में नहीं, और वो जो बात थी वो तो मैंने तुम्हें समझाई दी, कहना क्या चाह रहे तुम्हें, लिखने का तो इतना ही मौका मिलेगा तुम्हें, इतनी बात बता दो समझ में आई नहीं आई, दूसरे नंबर पर। अच्छा तुम कभी हरिद्वार गए, जब मैं रेस मारने हरिद्वार जाता था ना, पहुँच जाता था मैं आराम से, दौड़ने का मुझे बहुत शौक था, मैं बहुत दौड़ा जिंदगी में अपनी, सही बात, पहले बचपन में धीरे धीरे पैदल पैदल दौड़ा, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा हुआ फिर और दौड़ा, फिर दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल गया, इतना दूर निकल गया कि हरिद्वार ये भादराबाद पार कर दिया, जवालापुर, एक दिन तो मनसा देवी पार कर दिया, ऐसे बदमा, फिर मैं वापस लौटा धीरे धीरे, उसके बाद फिर जिंदगी में दौड़ा, कहाँ दौड़ा जिंदगी में, तो एक दिन मैं दौड़ते दौड़ते, मैडम चुप हो जाओ सुन लो, तो वहाँ एक पुल है रास्ते में गंगा के ऊपर बना हुआ ब्रिज, जो ब्रिज गंगा पुल है ना उस पर एक अंकल जी आते थे, अंकल जी क्या थे वो पंडित टाइप कहते मैं ऐसे धागा सा डाल के रखा मैं जो भी होगा, समझ नहीं पाती है, और आते ही करते थे वो गंगा पर खड़े होकर ना 5-10 मिनट पूजा करते थे, वो मैं उन्हें डेली का डेली देखता, और देखने का कारण पता क्या था, देखते यार कितना महान आदमी, और जब उन्होंने उठाया ना इतना बड़ा पन्ना भर कर ले आते हैं, उठाया और सीधा गंगा में, पहले तो पूजा करी गंगा की, उस मैंने देखा उसके अंदर, मैंने आज रुक देख ही देखता हूँ क्या डालते, मैंने कहा अंकल जी नमस्ते, नमस्ते बेटा नमस्ते, अच्छा काम कर रहे हो आप, मैंने कहा लेकिन आप गंदा काम कर रहे हो, मन मकाओ से डायरेक्ट नहीं बोल रहा ऐसे, मैंने कहा बेटा एक काम करो मुझे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है सीधे जाओ ठीक। तो
कोई बात नहीं, देखिए इतना सारा घर का सामग्री कूड़ा, पंडित थे ना तो पूजा पाठ करवाते होंगे घर में बुलाकर, इतना सारा कूड़ा रोज डालते थे, दो तीन बार तो मेरी मुलाकात हुई उनसे। तो इसका मतलब है, जरा एक बात बताओ, ये सांस्कृतिक कारण भी तो, संस्कृति के कारण भी तुम्हारे गंगा का अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है। पूजा पाठ इतना ही नहीं, मूर्ति विसर्जन हो गाँव में, मूर्ति उठाकर विसर्जित कर दिए, इन्हें लगा मूर्ति दिख कर उड़कर गायब होगी। अरे मूर्ति वही पड़ी हुई, उसके अंदर केमिकल जो मौजूद है ना, मूर्ति के ऊपर लीप पोत का केमिकल नहीं यूज करा होगा, वो केमिकल फिर सारा जाएगा उसमें मिलेगा। और केमिकल में हो क्या, आर्सेनिक के तत्व हो, और आर्सेनिक जब होगा तो मैंने तुम ब्लैक फूड डिसीज नहीं होगी, भूल गए तुम उस बात को, कैसे भूल सकते हो, बात समझ में आ रही ना तुम्हारी यार। तो सांस्कृतिक कारण, संस्कृति के कारण भी गंगा क्लीन नहीं हो रही हमारी। दूसरा, गंगा के अंदर चलो वहां तक तो ठीक, हरिद्वार वहां कोई निगरानी करके रखते पुलिस वाले, गंगा के अगले वाले घाट पाओ, जो लोकल घाट है जहां पुलिस वालों की एक्सेस नहीं है, पहुंच नहीं है उनकी, तो वहां पता क्या हो, ठीक वहां महिलाएं हो, लड़की हो, औरत हो, और खासकर छोटे छोटे बच्चे समझ पुल पर से कूदेंगे, घंटों घंटों साबुन रगड़ेंगे, रगड़ रगड़ कर ना, ये गंगा तुम्हारी ये हो रही पूजा पाठ बधाई हो, अग गंगा अग जागी, सोचेंगे साफ पानी आया, यूं नहीं पता पीछे तो खड़े होकर गंगा के अंदर ही टॉयलेट कर रहे थे, इतने बत्ते बीच महान मूर्तियां हैं, समझ नहीं बात है, ऐसी ऐसी महान मूर्ति यार। तो ये सांस्कृतिक कारण की, उसके बाद क्या करेंगे, जितनी भी पूजा पाठ होगी, मैं यहाँ तक भी जानता हूँ दिवाली, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ तुम, क्योंकि हम तो प्रदूषण पड़ रहे, गंगा कैसे प्रदूषित हो चुकी, हम ये दिवाली के दिन न जितने भी लोग जाएंगे, जानते हो तुम दिवाली के अंदर सारे गंगा मंगे धड़ा सामग्री गंगा में डालनी, समझ नहीं बात है, काजल अर्गू अगर बुखार भी होगा ना तो इनके ऊपर कुछ हुआ दे दुआना कर, ओम सात बार ले गंगे माता, मैं बना बता रहा हूँ ना, हमारे घर में जो गजनी है ना, ये गजनी भैया आए समझ में, बहुत बड़े पंडित है, चोटा आई उन्होंने कहा, समझ बात यार, जब भी किसी घर में बुखार होगा नहीं कि माता इस टाइप थी थोड़ी थोड़ी, तो आध्यात्मिक टाइप की, तो क्या करेंगे, किसी बुखार भी होगा ना तो एक हाजिरी पक्की देने की एक उस हाजिरी में क्या क्या होता, पाँच पतासे, मैं सब पब्लिक कर रहा हूँ सुन लो, पाँच पतासे दो लोग हुआ कर देती आराम तक, पड़ोस के सारे दुकान वालों को सब पता था इनके यहाँ शुक्र, इनके यहाँ शुक्रवार के संडे को हाजिरी पक्का जाओ, वो परेशान हो जाता चुपचाप देख कर, चल रहा कुछ मामला आया हुआ पंडित कर दिया काम। अच्छा जब पड़ोस में पंडित आया ना, तो जो पड़ोस के घर की बराबर की महिलाएं हो ना, खतरे में देख कम हम ही करवा रहे क्या क्या नू बता दी, ये यथार्थवादी बातें नहीं आ गया, बिल्कुल सच्ची बातें नहीं आ गए, ये सब मैंने गाँव में ना बड़े पैमाने पर अपनी आंखों से देखा हुआ पहले, समझ में आए बात ये। तो उसके इतना सारा इतनी सामर्थ्य, पूजा पाठ भी करवाए, बड़े पूजन बैठा है, इतना सारा डाटा इकट्ठा होगा, तो मैंने पंडितों से पूछा डाटा सामग्री इकट्ठी होगी वा, मैंने तो पंडितों से पूछा, मैंने कहा बताओ गुरुजी नमस्कार, नमस्कार बेटा सीमान भाव, राख उठाओ गंगा में गिर जाओ। मैं सोच रहा यार राख के अंदर तो NO2 भी था और PM पार्टिकल भी थे और सल्फर भी होगा ही, असल पर भी, और अमोनिया तो बड़ी मात्रा में होगा कपूर के अंदर जो पाए जाने से बहुत सारे यूज करे। अब मेरे पास दो रास्ते थे, क्या तो मैं बैठ कर वहां ज्ञान देता गुरुजी को मैंने गुरुजी इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल मौजूद है, धूल भरे कण मौजूद है, समझ आई बात। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा इस तरह का मैं पाप नहीं करने वाला बिल्कुल भी, तुम उन्होंने यहाँ तो अपना पाप साफ कर दिया, वहां दूसरों का पाप खराब कर दिया, हो ऐसा तो बताओ, यह भले ही हमारा संस्कृति, भले हमने तुमने अपने घर में पूजा पाठ करवाया तो दूसरा तो पाप तुमने कर दिया, समझ नहीं बात दिया, तुमने तो गंगा का जल प्रदूषित कर दिया, उसके अंदर आर्सेनिक डाल दिया तुमने, उसके अंदर लैड की मात्रा बढ़ा दी तुमने, और भी बहुत सारी सामग्री के अंदर बहुत सारी चीजें हों, समझ नहीं बात दिया, जो कूड़ा कचरा बेकार हो जाना आदत, तो मैंने ऐसे भी देखा हुआ, कहने को तो सामग्री लेकर आया था, अपने घर का कांच भी उसमें भरकर उसमें डाल दिया, समझ नहीं बात है। ये बात मुझे पता कब महसूस हुई, जब महसूस हुई जब हम नदियों के अंदर पैसे इकट्ठे करने जाया करते थे, नहर बंद हो जाती थी तो हम पैसे चुगने जाया करते थे, उसके अंदर तो पैसे मिलते थे जो चलते चलते लोग फेंक देते थे, तुमने गए कहा किस तरह, हम गए मुझे तो पूछो ना कि एक रुपया इसके हाथ में, एक बार तो मेरे हाथ पर केकड़े नहीं काट लिया था, सच में ही मजाक नहीं कर रहा मैं, तो हम पली नहर में भी जाया करते थे उसमें पैसे नहीं मिलते, तो जहाँ घाट हो ना लोग ऐसा करके पैसे फेंकते हैं, तो हमने वहाँ तुम पहले ही पहुँच जाया करते थे, प्लान बना कर रखे थे, चार पाँच जने थे ना, समझ में बात है, तो वन से कम 50 रुपये इकट्ठे करके लाया करते थे, ठीक है पब्लिकली मैंने सारी बातें बता दी तुम्हें, बताइए ना किसी की बात, संस्कृति कारण, ओहो फिर देखते थे वहाँ इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मिलती थी, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, तो यूँ बता दो तुम मुझे ये बता दो, भले ही तुम्हारी संस्कृति सुधर रही, अरे सांस्कृतिक कारणों के दौरान हमारी यूँ बताओ गंगे माता प्रदूषित होगी नहीं होगी, समझ में आई बात यह,
क्या होगा, कौन होगी? हाँ हाँ, चुंबक का यूज कर देते हैं, सांस्कृतिक कारण। अब सांस्कृतिक कारण क्या है? एक तो पूजा पाठ हो सकती है, पूजा पाठ, पूजा पाठ की सामग्री, पूजा पाठ की। दूसरे नंबर बताओ, और मूर्ति विसर्जन, और बताओ कैसे गौरी गंगा पर। उसके बाद स्नान, स्नान भी तो करते हैं लोग। और बताओ सांस्कृतिक कारण के अंदर, और बताओ जो संस्कृति से जुड़ा हो, अध्यात्म से जुड़ा हो। पूजा पाठ की सामग्री लिख दी ऊपर। हाँ, पूजा पाठ की सामग्री के अंदर, सामग्री बहुत बड़ी चीज है, सारी इसमें समाहित हो जा। अभी तुम्हारी सोच इतनी डेवलप नहीं है, आगे बताओ। मूर्ति विसर्जन हो गया, स्नान हो गया, और बताओ। अच्छा, मैं थोड़ा थोड़ा डैश डैश कर रहा हूँ, जो तुम्हें मिलन लिख देना, इसलिए मैं लिख दिया आदि। इनके कारण गंगा प्रदूषित हो रही है। और तुम बताओ नदियों का जल कैसे प्रदूषित हो रहा, और बताओ नदियों का जल कैसे प्रदूषित हो रहा, क्या फर्टिलाइजर कहाँ जा रहे हैं इसमें? सुन लो, और कैसे नदी का जल प्रदूषित हो रहा है? वीडियो फालतू की बात है, समझ में आ बात है? ठीक, सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। और क्या तीसरा कारण, तीसरा कारण बता क्या है? जो हमने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रखे नहीं, पानी को रोक लिया, पानी को ट्राई बैंड पर डाला बिजली। यार तुम पानी को रोक कर ना, उसके अंदर रुका हो जाए पानी, हो ना हो जा खराब। मैंने कितनी बार शायरी में सुनाया तुम, शायरी में बताया, वैसे बता, रुका हुआ पानी सड़ जा, पानी चलता हुआ ही बैठ जाओ, तो इसका मतलब पानी को रोक लिया हमने, और रोक के रुके हुए पानी के अंदर ना कीटाणु पनप जाते हैं। कहते हैं बहता हुआ पानी शुद्ध बना जा। तुम तालाब का पानी पीना पसंद करोगे, नदी का? दोनों का ही नहीं पीना, दोनों का ही प्रदूषित हो चुका है। ठीक, वो भी बेकार हो चुका है, यहाँ देख ले। तो समझ गए तुम? तो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं ना, पानी को रोक के जो बिजली बनाई जा रही, पानी को रोक के जो बिजली बनाई जा रही, ये भी प्रदूषण का कारण बनने, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कारण। हाइड्रो पावर कारण पानी का रुकना, पानी का रुकना, पानी रुक गया तो खराब। कितने कारण हो गए? चौथा कारण। और बताओ, तुम्हारे तो लग रहा कि बताओ अब दूसरा क्या है? और बताओ उर्वरकों का पहुंचना, और बताओ जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो, और पॉइंट। इन्होंने ये कह रही कि और नदियों का जल इस तरह प्रदूषित हो रहा है कि जो सड़े हुए गले हुए जो पशु हो ना, वो भी गंगा के अंदर डाले जा, तो उसके कारण भी हो रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, इस बात को लिखा हुआ कैसे, जो मृतक हो, मृतक मनुष्य और पशुओं के शव को नदियों में डालना, कह सकते हैं इस तरह। लियो, अच्छा मृतक कैसे लिखा जाएगा? मृतकों, मृतक मनुष्य तथा पशुओं के शव को नदी में डालना, याद रही बात यार? और बताओ नदी में जल कैसे प्रदूषित हो रहा है? याद तो सुनना, अगली जो बात बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक सवाल पूछा हुआ। जो नदियाँ हो ना, नदी के अंदर पाया जा रेत, तटीय इलाकों पर नदी हो गए, समझ में आए बात यार? और जो रेत हो ना, वो रेत का काम, जो हम उसे बालू भी बोलते हैं, रेत कह दो बालू कह दो, जो बालू हो ना, सरकार ने लगा दिया उसे बैन। क्यों? मेरे खुद के डैडी यही काम करते हैं, बालू निकालने का काम करते, रेत निकालने का काम करते हैं। और मैं खुद भी गया हूँ, इतने इतने नदी के पानी में था ना, हमने रेत निकाल रखा है, और पुलिस वाले वहाँ बार बार आ जाते हैं। एक बार उन्होंने मेरे पिताश्री को मारने की कोशिश की, तो मेरी जो दरोगा थे ना, उसके साथ लड़ाई बच गई मेरी, 2019 की बात है।
और ईश्वरी नदी की बात साइड में सही बात यह है। मैंने कहा मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा सकता हूँ, लेकिन वो अपनी जगह सही था सही बात, क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि गवर्नमेंट ने बैन लगाया और उस पर भी पड़ता प्रेशर था। दूसरे नंबर में उसके साथ लड़ाई इस तरह बजी थी, मैंने कहा तुम गाली नहीं दे सकते, वो सोच रहा है ऐरा गहरा इंसान, तो उन्होंने गाली देना स्टार्ट कर दिया सभी मजदूरों को। मैंने कहा तुम ये कह सकते हो तुम इनके जो इंस्टॉलमेंट इनके पास है जब्त कर सकते हो, इन्हें जेल में डाल सकते हो, तुम गाली देने का अधिकार किसने दिया, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। तो बड़ी मुश्किल था, उन्होंने समझा बुझा के ले गया, मुझे समझ गए नॉलेजदार फुल आदमी, मैं रेत भर रहा था, रिवील पर्सनली बात है, समझ आई बात यार। दूसरे नंबर पर उस रेत के अंदर ऐसा हो क्या, वो रेत पता क्या कर, वो रेत पानी को शुद्ध करने का काम कर, हाँ पानी के अंदर जो अशुद्धियाँ हो ना, घर कोई पानी तुम्हारे घर में रखा हुआ है ना, मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ, मैं कई साल नदियों में गुजारे, मैं नहा भी नदियों में, अभी मैंने छोड़ा 3 साल पहले नदियों में नहाना सच में, और जो नदियों का पानी हो ना बहुत साफ हो क्लीन हो उस पानी को, तुमने घर में ना एक तसले के अंदर रेत डालना, जितनी भी शुद्धियाँ होगी सारी नीचे बैठ जाएगी। पानी को शुद्ध बनाने में रेत की बड़ी भूमिका हो, उस रेत को हम निकाल कर लेकर आ रहे, समझ बात यह। जो अवैध तथा अवैध रेत 2019 में सवाल आ रखा, सेम सवाल याद है ना 2021 में सवाल है, शायद 21 या 19 में सवाल है मेंस में, और उसमें पीली हुई तो क्या करो उसके अंदर ना लवण की मात्रा बनाए रखा हो। पहले नंबर पहले बात तो है रेत का काम होगा, जो बालू होगा वो पानी के अंदर ना रेत की मात्रा लवण की मात्रा ठीक ठाक तरीके से बनाए रखेगा, और दूसरे नंबर पर क्या करा उसके अंदर तो अशुद्धियाँ गायब कर देगा, समझ बात यह। जो रेत होगा समझ में आई बात, रेत के कारण ही ना जो पानी है उसके अंदर रिस जाता, भूमिगत जल को बनाकर रखता रेत के कारण, भूमि में नमी रखता रेत पानी को, तुम इतना सारा रेत ले उसके ऊपर पानी डाल लो पानी को सोख लगा, देखा नहीं का तुमने इस तरह कभी एक्सपेरिमेंट देखा बचपन में गाँव गली गलियारों में देखा होगा, देखा नहीं का पानी डाला उसके अंदर चला गया नहीं चला गया, ये खास बात हो रेत की। तो जो इस तरह का जो अवैध खनन हो रहा ना, अवैध तरीके से खनन, अवैध हो चाहे अवैध हो, जो खनन हो रहा है इस पर बैन होना चाहिए। बालू की जो माइनिंग हो रही, जो खनन निकाला जा रहा है रेत का, माइनिंग खनन खनन निकाला, सरकार कहती है बंद कर दो सर, पर्यावरण के लिहाज से सही नहीं आया। यह बात आंध्र प्रदेश में ना, आंध्र प्रदेश के सीएम, जो आंध्र प्रदेश के सीएम, आंध्र प्रदेश के अंदर तो पता क्या हुआ था, बहुत सारा तटीय इलाका वहाँ से नदियाँ बहती है, वहाँ से रेत निकाला जा रहा था। UPSC 3-4 बार सवाल पूछ चुका इस पर, समझ रही बात है, क्योंकि संवेदनशील मुद्दा, और बताना चाहता कि जो रेत बालू और जो रेत कितना महत्वपूर्ण, समझ रही बात है। इस अवैध खनन को बैन लगा दिया, NGT ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया आंध्र प्रदेश की सरकार पर इसी बात को लेकर कि तुम अपने यहाँ जो खनन हो रहा है रेत का इसे क्यों नहीं रोक रहे तुम, अगर तटीय इलाकों में बाढ़ आ जाएगी वो पता कितना महत्वपूर्ण हो रेत वो, रेत नदियाँ खुद बनाकर ले आती भारतीय अपना रास्ता ताकि दूसरी तरफ न जाओ, रेत को लाकर इकट्ठा कर देगी, इस तक गांव भी बच जा, उधर फिर बाढ़ तो नहीं आने की, पानी नहीं आया, अरे उस रेत को हटा रहे हैं वहाँ से, और जब पानी आगा फिर उनके गाँव में नहीं घुसेगा, समझ बात है। तो उस रेत के बहुत फायदे, उस रेत के फायदे तुम्हें पता है ना, पता हो UPSC जरूर पता, इसलिए उसने सवाल पूछा, तुम जरूर चेक करना रेत वाला सवाल है का, समझ में आया बात है। दूसरे कारण क्या हो, वो रेत के अंदर तुम बता दे मैंने, जल के लिए भी लाभदायक हो, और दूसरे नंबर पर क्या है, बाढ़ ना हो इसलिए बड़े बड़े टीले बन जाते हैं, तो सरकार ने बैन लगा दिया, जो सरकार है राज्य की सरकारें में, राज्य की सरकारों ने फिर बैन लगाया कि रेत पर ना जो तटीय इलाकों में जो रेत है उस पर बैन लगा देना चाहिए। फिर अगले साल सवाल पूछ लिया, समझ बात, सख्ताई बरत रखी थी, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था, समझ बात यह कि माइनिंग रेत की, जो बालू की माइनिंग हो रही ना, चाहे अवैध तरीके तो लीगल तरीके तो हो रही हुआ कि सरकार ने कहा चलो निकाल लो, चाहे सर की चोरी चिपके तोरी तो चलो निकाल लो ना, तो दोनों ही तरीके तो गलत है, अवैध तरीके से भी अवैध तरीके तो दोनों तरीके तो गलत है। जो अवैध तरीके तो अवैध तरीके तो जो माइनिंग हो रही है, ये खनन हो रहा है किसका, बालू का, रेत का, वो समझ जाओ वो भी नदियों के जल को प्रदूषित कर रहा है, अगर वो रेत ही नहीं होगा तो हमारा पानी कैसे साफ होगा, समझ में आई बात यार। और मैंने नदियों का पानी भी टेस्ट कर रखा है, शुद्ध पानी माना जाता, लवणयुक्त पानी माना जाता नदियों का, बस इतनी बात याद रखना, वो गंगा का पानी हो और ऊपर पहाड़ों पहाड़ों वाला हो, समझ में आई बात है, वहाँ प्रदूषण नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है ना वहाँ, समझ बात यह। जैसे तुम हरिद्वार तक गंगा बाहर निकलेगी ना तो समझ जाओ इसका राम नाम सत्य हो जा राम, तो समझ में आई बात यह। और जैसे शेड्यूल से गुजरेगी तो ये सोचे ना भले ही गंगा जल, गंगा का जल तो हम हिंदते ही भर लेंगे, भर लोगे मैंने कर रहा, जब तो हरिद्वार जाओ ऐसे बनो तो कानपुर तो ना भर लागे थे जाके, हाँ यही बना दो घाट, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, उन्हें भी कल है, इससे पीछे मामला खराब हो लिया इसका, इस तागा का मामला खराब है इसका, समझ में आया बात है। तो दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरा अगला पॉइंट यही है, जो वैध तथा अवैध तरीके से रेत की माइनिंग हो रही उस पर हमें बैन लगाना होगा, उसके कारण भी ठीक, उसकी माइनिंग के कारण भी तो बताओ नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है, तो वैध और अवैध तरीके से रेत के खनन, जो रेत का खनन हो रहा है उसके कारण भी जल नदियों का जल, वैध तरीके से क्या, चाहे सरकार ने कहा हो वैध तथा अवैध तरीके से, अवैध इतने गहराई वाले तरीके से मैंने तुम पॉइंट समझाए हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कहीं भूलने चाहिए जिंदगी में, अवैध तथा अवैध तरीके से, वैध तथा अवैध तरीके से।
बालू, भालू मत लिख देना, ब्रेड में रेत भी लिख दे मैंने, का खनन, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, कितने कारण हो गए? उर्वरक सही है, उर्वरक करोगे सही है, अब सही है, सही है, तुम्हें डाउट हो रहा क्या? उर्वरकों का निक्षालन के माध्यम से, अच्छा निक्षालन जानते हो, रिसकर, पानी की रेस रेस करना उसके अंदर पहुंच जा, निक्षालन के माध्यम से, निक्षालन एक प्रकार की क्रिया हो के माध्यम से नदी में मिलना, नदी में मिलना, और बताओ क्या कारण हो सको? अम्लीय वर्षा भी कह सकते हो, शाबाश, और बताओ अम्लीय, और बताओ, अच्छा उर्वरकों के अंदर बड़ी मात्रा में ना अमोनिया मौजूद हो, NH3, और वो अमोनिया ना बहुत घातक हो जल के लिए, ये बात याद रखना, और बताओ कैसे हो सकता है जल प्रदूषित? दूसरा, लोग हमारे आने यार इनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, ये ना नदी के जल के प्रति ना असंवेदनशील है, समझे, जिसके कारण असंवेदनशील से बताया, कालू टूकू जतिन देबू ये सब ना कहाँ नहाने के बहाने जाएंगे, चुपचाप इतना तो नहाएंगे, नीचे नीचे कौन देख रहा क्या हो रहा है, ऐसे समझ गए नहीं, ऐसे समझ ए चुप याद तो वही है। दूसरे नंबर पर ये हमारे गांव के जो रामपाल है ना, रामपाल शिषपाल जाती है, मानते नहीं बिल्कुल भी ये नहीं मानने वाले बिल्कुल भी, समझ में आई बात है, ठीक, ये बहुत तगड़े पुजारी हैं, घंटों घंटों पूजा करेंगे और सारी सामग्री उठाएंगे जाएंगे धड़ाक, जय हो गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे, आया समझ में, अपने आप खड़े नंगे, समझ में आया बात, तो यही हाल है, ठीक यार यही मानने के यार, नागरिकों की असंवेदनशीलता, तो कितने सारे पॉइंट लिखवा दिए मैंने, नागरिकों की असंवेदन, याद रही बात या? तो उसका मतलब और बताओ, नागरिक हमारे ऐसे विदनशील है नहीं है, वो अंकल जी वाली बात बताई मैंने, तुम अंकल जी वाली बात आए समझ में, और ये बातें बताऊँ, एक बार मैं हरिद्वार गया नहाने, चल रहने दो बस इन बातें पर रहने दो, टाइम लंबा जाओ इसको क्या दिखाऊँ मैं, तू कैसे देख पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट, आठ पॉइंट हो गए, आठ पॉइंट का मतलब आठ लाइन होगी एक प्रकार का, लेकिन इसी तरह तुमने निपटाना, तुम्हें उसको पता होना चाहिए कि तुम्हारा दिमाग बहुत समग्र तरीके से काम कर सकता, तुमने इस तरह प्रैक्टिस कर ली पहले ही कि नदियों का जल प्रदूषित कैसे हो रहा है, जो औद्योगिक औद्योगिक कचरा ना वो बिना साफ करे हुए ना नदियों के अंदर डाला जा रहा है, दूसरा सांस्कृतिकरण भी है, पूजा पाठ की जो सामग्री, मूर्ति विसर्जन, स्नान इत्यादि, ये सब उसके अंदर डालकर नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है, हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है ना उसके कारण जो पानी रोका जा रहा है उसके कारण नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है, मृतक मनुष्य के जो सब ना उसे नदियों के अंदर डाले जा रहे हैं, पशुओं के सब उसके अंदर डाले जा रहे हैं, उसका जल प्रदूषित हो रहा है, वेद अवैध तरीके से खनन हो रहा है ना, UPSC सवाल पूछोगा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिए हूँ, समझ आई बात, इसका पक्का सवाल देखना जाकर, एक PT में रखा है, एक मेंस में, दो तीन मेंस, दो मेंस में रखे, ठीक, उर्वरकों का निक्षालन के माध्यम से नदी में पहुंच जाना उसके कारण, अम्लीय वर्षा हो रही है ये तो तुम जानते ही हो, उसके बाद नागरिकों का असंवेदनशील होना ये भी कारण, कितने पॉइंट होंगे, आठ पॉइंट, नौवा पॉइंट, नौवे नंबर का जो पॉइंट है ना ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से, नौवा पॉइंट, और सुनो यार और क्या हो रहा, देखो क्या मामला है वहाँ, बताओ तुम कैसे हो रहा हो, दिक्कत पता कहाँ से, अब लोग क्या कहते हैं, उत्तराखंड से गंगा आई, उत्तराखंड वाले आरोप लगाते हैं यूपी वालों पर कि उत्तराखंड में गंगा बहुत साफ हो, और यूपी वाले कहते हैं पीछे तो जल गंदा आ रहा है, केंद्र और राज्य जो राज्य ने राज्य राज्यों के बीच में पता क्या हो रहा है, विवाद हो रहा है, आए समझ में, राज्य राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में भी, जो यमुना कहते हैं यमुना किस कारण गंदी हो गई, दिल्ली सरकार के कारण गंदी हो रही, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार और केंद्र में सरकार हो उसकी, कह रहे ये हमारा पैसा कहीं और लगा रहे, मेरे पैसा कहीं और लगा रहे, केंद्र राज्य और राज्य राज्यों के बीच में समन्वय की कमी, समन्वय की कमी, इनके बीच समन्वय भी नहीं है, दूसरे नंबर पर अगर गंगा को सफाई करने चलेंगे, ध्यान तो सुना ना, गंगा को सफाई कर, जैसे हम गंगा को सफाई करने चलोगे, ये गंगा, ये हमारा गंगा है, ये हमारी गंगा जी है, गंगा माता, ये हमारी गंगा माता, अच्छा जल, इसमें कौन कौन से मंत्रालय जुड़े हुए, देखो कितने मंत्रालय जुड़े हुए इसमें,
नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर जब जल की बात आ गई तो जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय ध्यान से सुन लेना। अब प्रत्येक मंत्रालय का मंत्री होगा, हमारे भी हैं मंत्री जल शक्ति मंत्रालय के। दूसरे नंबर पर मामला सारा पर्यावरण से संबंधित, मामला तो पर्यावरण से संबंधित हो तो पर्यावरण में रहा तो पर्यावरण मंत्रालय तो पहला जाएगा, उसके बिना तो कुछ भी नहीं, तो टोप बैठा हुआ पर्यावरण मंत्रालय, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। अच्छा जरा एक बात बताओ, जब भी मामला जल से संबंधित होगा तो जल तो हम ऊर्जा भी तो बना रहे, तो ऊर्जा शक्ति मंत्रालय आ जाएगा, ऊर्जा मिनिस्ट्री ऑफ पावर आ जाएगा, ऊर्जा मंत्रालय ले, ऊर्जा मंत्रालय भी आ गया, ऊर्जा मंत्रालय। अच्छा प्रत्येक मंत्रालय का क्या हो, एक मंत्री हो, आज समझ और बताओ कौन सा मामला संबंधित होगा। अच्छा बताओ इन सबको पैसा भी चाहिए, पैसा चाहिए तो पैसा कौन से मंत्रालय में लगा, वित्त मंत्रालय का ले भी आ गया, वित्त मंत्रालय। और बताओ कौन कौन से मंत्रालय से जुड़ सकते हैं, तुझे तुम्हें लग रहा कि जो गंगा से संबंधित है, इस तो दिमाग चलाओ अपना, कैसे दिमाग चलाओगे कि कौन कौन से मंत्रालय से संबंधित हो सकते हैं। क्या गंगा के अंदर हम आजकल वो भी चला रहे हैं वाटरवे, अपना अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। वाणिज्यिक मंत्रालय आ गया, वाणिज्यिक मंत्रालय, हाँ व्यापार वाणिज्यिक मंत्रालय, वाणिज्यिक मंत्रालय जो भी आ गया। चलो प्रत्येक मंत्रालय का क्या हो, एक मंत्री हो, हमारे यहाँ भी है। और बताओ कौन सा मंत्रालय आ गया, सुना मैंने पानी के अंदर जहाज भी चलाए, पानी के जहाज चले जा रहे, तो आएगा जहाज रानी मंत्रालय, जहाज रानी मंत्रालय, हाँ जहाज रानी मंत्रालय, रानी मंत्रालय। कितने सारे मंत्रालय पढ़ाऊंगा तुम्हें, आया समझ में। अच्छा पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय बताओ, पर्यटन का मामला भी आया, आज समझ में। इतने सारे मंत्रालय हैं, सारे गंगा से संबंधित दिखाई दे रहे, प्रत्येक मंत्रालय का एक मंत्री भी होगा। अब मंत्री होगा तो एटीट्यूड भी हो, जब एटीट्यूड होगा नहीं के बेहतर, ये क्या आएगा, नहीं नहीं मैं सही काम कर रहा, ना ना तू बेकार काम कर रहा, एक दूसरे पर आरोप लगाने में लग जाएंगे, दोनों सबके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, सबके बीच में समन्वय की कमी, एक दूसरे को कोऑपरेट कर चलते बिल्कुल भी। अगर एक सही तरीके से काम भी करेगा ना तो दूसरा उसका पैर खींचे लगाना कर रहा, नहीं 10,000 करोड़ लगा रहा, सब लग रहेगा 20,000 करोड़, आते तू खाते बना लो चुपचाप अपने बच्चे को पढ़ने भेज बाहर, ऐसे वजह वो वहाँ पढ़ेगा हावर्ड समझ आएगा, समझ बात है। और सबकी तो मुझे हिस्ट्री पता है नहीं कि हम इतने तक का मुझे मालूम है, जितने भी मंत्री ना भारत के अंदर किसके घर में कितने बच्चे और कितनी लड़की को कौन कौन थी कहाँ कहाँ पढ़ रही, ठीक सबकी नॉलेज कितनी बड़ी कितने बड़े मतलब लड़कों को पता, ऐसी बात है लड़कों को पता, लेकिन मेरे कुछ काम की सुनिया ना लड़के, समझ में आया बात सबकी शादी होगी ना, सबकी शादी होगी ए तो सबके मुझे बारे में जानकारी, एक का राग घाट पता मुझे, अभी डिस्कस करूंगा ना जब सारे मंत्रालय पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, तो तुम्हें पूरा मजा आएगा इनके बारे में जानने में, ठीक है वैसे किसी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं तो खोजबीन वाला आदमी, जैसे पर्यावरण मंत्रालय पढ़ने बैठा ना उसके बारे में सारे निकालूंगा, सबके राग घाट वर्तमान समय में बोलूंगा, फिर पीछे तो बैकग्राउंड पर जाऊँगा, फिर इसकी जिंदगी सबकी हिस्ट्री चेक करूँगा कौन कौन क्या क्या कर रहा है, ठीक। अब नहीं करता मैं इस तरह, अब टाइम ही नहीं आया ना, ठीक ये तुम्हारा काम हो जाए, ठीक तुम चेक करो तो ये बताओ जब इनके अंदर समन्वय नहीं है तो काम ही नहीं कर पाएंगे, और काम ही नहीं कर पाएंगे उसके कारण तो गंगा प्रदूषित हो रही। और जितने मंत्रालय, प्रत्येक मंत्रालय का एक मंत्री हो, और मंत्री हो अनपढ़, वो क्योंकि वो सांसद हो और जब वो मंत्री अनपढ़ होगा तो उसे चाहिए रोकड़ा, ऐसे समझ में चाहगा अपना अपना मरा, उसका बच्चा कामयाब होना चाहिए, उसका दायित्व, वो कभी भी सेकुलर होगा काम नहीं करने का बिल्कुल, समझ की बात है। उसके अंदर बड़ी मात्रा में नहीं समझ जाओ, उसके अंदर ना सत्यनिष्ठा का अभाव पाया जाएगा, सत्यनिष्ठा का तो सह भी नहीं है उनके अंदर, चाहे कोई सा भी मंत्री हो, नीचे से लेकर ऊपर तक की चेन बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मेरा ऐसा मानना कि है ना पेपर हो, पहले तमीज प्रत्येक मंत्री का पेपर हो, पेपर होगा तब जाओ कई सारे लेवल, सही बात है। इंटरव्यू में ठीक मजाक कर रहा हूँ, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है। अच्छा उन्होंने मेरी बातें सारी सुन ली, जेल में डाल दें उन्होंने सारी बातें सुन ली, मेरी इतनी बुराई करता जेल में डाल दें मुझे
तू फटाफट सारी वीडियो पढ़ ली और ठीक है फिर मैं हटाने वाला हो रहा है। तो जिन्हें आराम से जिन्हें मेरे तो जल रहा था ना चुपचाप सारी वीडियो देखो बैठ कर आराम तो बहुत चीज मुझे आराम से फंसा जा सके ठीक है। क्या करेंगे मेरे पे खेत टोको क्या करेंगे सुनो गरीब आदमी तो क्या लेना बेचारा इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहा हूँ मैं तो इस तो गरीब आदमी नहीं था और क्या है इकोनॉमी क्लास जानते हो नहीं जानते उसमें थर्ड क्वालिटी के लोग सफर करते हैं। जब अमीर बन जाऊँगा जब मैं बिजनेस क्लास में सफर करूँगा तो उसमें भी दो कैटेगरी हो ना एक को बिजनेस क्लास एक को इकोनॉमी क्लास। तुम्हें बिजनेस क्लास में नहीं आता इकोनॉमी क्लास बता मुझे इस बात का बहुत दुख है। और जब वहाँ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आ रहे थे ना तो सब वहाँ इस तरह से उनके साथ सेल्फी ले रहे थे तो मुझे उनको बहुत जलन उड़ दी कि मेरे साथ सेल्फी क्यों नहीं ले रहे हैं एयरपोर्ट पर। हाँ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आ रही थी जैसे तुमने उसका नाम सुना होगा चेक करना बहुत सारे हीरो भी है एक तो उसमें इनके ही परिवार मंत्री के परिवार के भी तो बहुत बैठे उनके आए तो फटाफट सर प्लीज़ एक फ़ोटो रेडी किया प्लीज़ फ़ोटो मैं दूर खड़ा हो देख बैठा देख रहा सबने सेल्फी ली मैं बैठा मंत्री सही भाई हैं बैठे आग उनके बच्चे हैं बैठे आग मैं बैठा मैंने नहीं सेल्फी उन्होंने देख रही ये कौन था पुरानी सेल्फी नहीं ले रहा मैं नहीं लेने का सेल्फी क्योंकि मुझे जलन हो रही है अंदर अंदर जलन हो रही कि सेल्फी नहीं लेते क्या अब जैसे बड़ी बड़ी हीरोइंस भी बैठ रही हैं तो आ जाना कोई पॉपुलरिटीज जो अभी नाम बताऊंगा इसके बाद इसमें नहीं बताने का ठीक। अभी जब बैठे हो बराबर में सब सेल्फी ले रहे तो जब सेल्फी ले रहे ना साइड में तो मैं सोचा यार मुझे क्या हो रहा है मुझे जलन क्यों हो रही अंदर से मतलब कैसे क्या हो रहा है इतनी पॉपुलरिटी मेरी क्यों नहीं है। अब बाद में जाकर तो ये दस मिनट की भीड़ थी बस फिर सब चले गए फिर चुपचाप बैठी दस मिनट की भीड़ थी एक हो रहा है पूरी भीड़ उन्हें देख रहा बस बैठा हुआ शांति के साथ और मैं सब घूम फिर गए ना देखो फिर सेल्फी ली फिर शांति जगह फोन चलाओ फिर मैं मेरी तरफ देखो तो इस तरह का प्रक्रिया चलती रहा वहाँ से जाओगे ना जब तुम तो जब जाओगे सुन लो जब तुम पहली बार जाओगे ना जाओगे तो है ही इच्छा होगी तुम्हारी किस किस की इच्छा हाथ खड़ा कर लो तेरी इच्छा नहीं है अच्छा फोटो देखकर किस तरह लग रहा है ऐसा लग रहा था अपने आप को महसूस कर रहे थे क्या बोलने पीछे अपने आप को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे क्या अच्छा पहुँच जाओगे सबसे बड़ी खास बात तुमने वहाँ सोच रही थी पहुँच जाओगे ज़्यादा बड़ी बात नहीं है अच्छा लेकिन घंटों घंटों अपने आप को रगड़ना पड़ेगा जितने मैसेज दिखाई दिए सब में एक ही लिखा हुआ था काश आप मेरी ज़िंदगी आपके जैसी होती मैंने क्या बोलूँगा सब ऐसा क्या बोलूँ अब इसके पीछे का दर्द क्या हो तो मुझे पता ना और दूसरा वाला मैसेज भाई जी आप तो बहुत ही मजा मैंने यार क्या इसे क्या बोलूँ बताओ क्या बोलूँ क्या क्या दूसरा ऐसा समझ दूसरे वाले मैसेज मैसेज क्या करें दूसरे वाले मैसेज क्या करें भाई जी मेरी मम्मी ने कह रही आपकी तो भाई जी कितने स्टाइल मारो ये क्या है कितनी महान मूड दिया ऐसे ऐसे बताओ अभी ना क्या बता दूँ तुम पता मैं किस काम तक आया था पता तो नहीं किसी बस भारत भाई प्रदर्शन कुछ और पीछे का राग घाट कुछ और एक नु कह रहा पक्की बात है वैलेंटाइन डे मनाने गई मैं वैलेंटाइन डे तो पहले ही आया तो बताओ कारण समझ में नहीं आए हे कितने हो गए राज्य तथा केंद्र के बीच ना राज्य तथा केंद्र के बीच राज्य के केंद्र के तथा राज्य के बीच राज्य तथा केंद्रों के बीच में ना समन्वय का अभाव समन्वय कोऑर्डिनेशन नहीं है इनके बीच में राज्य तथा केंद्र के मध्य समन्वय का अभाव ये बात बताओ समझ में नहीं आ रही और तुम्हें कैसे लग रहा है कि जिन नदी का जल के क्यों प्रदूषित हो रहा अब मैं तुम्हारे अंदर से निकलवाऊंगा पॉइंट बता नदी का जल कैसे प्रदूषित तुझे क्या लग रहा है कि नदी का जल क्यों प्रदूषित हो रहा जो तेरे नाते सोचा है यही तो दिमाग को जोर डालना फसल अवशिष्ट फसलों के अवशिष्ट नदियों में गिर जाएगा फसल अवशिष्ट को ज्यादा बड़ा कारण नहीं है सोम से एक पॉइंट हुआ बता नदी का जल क्यों प्रदूषित हो रहा है
और बता पर्यटन के कारण, जैसे मतलब हमारे बढ़ता पर्यटन, बढ़ता पर्यटन बता तो क्या लग रहा है जंजीव जल कैसे प्रदूषित हो रहा है जिसमें नहीं लिखा हुआ तो बता किसका तकनीकी कमी या तकनीक बढ़ गई तकनीकी कमी के कारण पॉइंट में दम नहीं है ये आधुनिक पॉइंट है कि सरकारी परियोजनाओं का सुनिश्चित रूप से वो होना क्रियान्वयन योजना तो बाद में बढ़ेगी ना कारण क्या नदी जल की प्रदूषित हो रहा है क्या लग रहा तुझे नहीं देव देखी नहीं आज तक नदी अब देखी नहीं बता लग रहा कुछ घरेलू कचरा देख तो घरेलू कचरा ना सांस्कृतिक कारण ये डंगरों का कचरा का है तो बता क्या लग रहा तो ये नदी का जल क्यों प्रदूषित हो रहा है जो स्नान आया ना जो इसमें सब कुछ शामिल है जब हमारे यहाँ का जो कड़ू जावो ना भैंस लेके जाओ वो अपने पहले कूदना होगा फिर भैंस को नहलाना होगा किसका भूस्खलन के कारण सही कह रही भूस्खलन का पॉइंट जोड़ रहा होगा और वो तो क्या पॉइंट दिख रहा तुम भर दो आज ये पेज पर बाढ़ ये अभी बात सही है बाढ़ के कारण भी हो सके तो बता तेरे पास आया मैं बता नदी जल प्रदूषित कैसे हो बता बता चक्रवात के कारण भी लिखी तो बता उड़ता आगे ना तो अगर तुम्हें कभी लग रहा है ना इस कारण नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है भविष्य में कोई ऐसी खबर आई इस कारण हो रहा है नदियों का जल प्रदूषित तो चुपचाप यहाँ चिपका दिया लगा लगातार आबादी का बढ़ना ये पॉइंट नोट करो फिर हम इन पर जा रहे प्रयास समझाएंगे तुम सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास करेंगे अब सुनो हम पहले हम इसके बारे में समझेंगे राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कह दो कार्यक्रम कह दो प्रोग्राम कह दो प्लान कह दो ठीक तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे पहले इसके बारे में इसका पोर्टल खोल लेंगे पोर्टल खोल कर इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दो पहले में तो कॉपी में तुम हेडिंग बनाओ राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कार्यक्रम कह दो राष्ट्रीय नदी योजना तो पहले हम समझेंगे नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम प्रोग्राम नहीं प्लान बोल लो सर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अब सवाल पहले इसके बारे में तो कॉपी में तुमने आईडी बना लिया क्या आईडी बनाई बताओ मोटे मोटे तरीके पता होना चाहिए यह योजना चला कौन रहा तो यह योजना चलाई नहीं तो इसके ब्रैकेट में लिखो कौन चला रहा है सर किसके द्वारा संचालित करी जा रही है तो इसका संचालन कौन कर रहा है जल शक्ति मंत्रालय गूगल पर जाकर सर्च कर देखना इसका मंत्री है कौन इस टाइम समझ आई बात यह जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है इसके मंत्री का नाम तो जानना जब तुम गूगल पर पढ़ रहे हो उसके बाद पता लग चुका क्योंकि मंत्रालय का नाम जरूर पूछे जा कि ये योजना राष्ट्रीय नदी संरक्षण जल योजना राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना ये किसकी कौन से मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही या जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही
ऐसा मत, जल शक्ति मंत्रालय का तुम पोर्टल खोल लोगे, वेबसाइट खोल लोगे जाकर, उसके अंदर ये योजना पक्का लिखी हुई लगी तुम्हें। और ये सवाल, ये दूसरा सवाल पूछ रहा है, ये योजना कब तक संचालित हो रही है? दूसरे नंबर पर पहली बात है, ये कब तक चलाई जा रही है? वर्ष 1995 से चलाई जा रही है। ये सन भी पूछ लगा कभी कभी, 1995 तक चलाई जा रही है योजना। यस, 1995 से, सही बात है, ये पॉइंट लिखो ओवर, क्योंकि पीटी के सवाल पूछेगा, मेंस का कुछ नहीं रहेगा, घबराओ ना बिल्कुल भी। कौन सा मंत्रालय चला रहा है? जल शक्ति मंत्रालय। योजना का नाम राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना, योजना नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, कौन से मंत्रालय के द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय। कब चलाई गई थी? अभी अभी इसके अंतर्गत आ चुकी है, समझ आई बात? या अब ये पर्यावरण मंत्रालय पता क्या करेगा? पर्यावरण मंत्रालय का, क्योंकि सब पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आगा ना सारा काम, तो पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आगा। पर्यावरण मंत्रालय बताएगा तुम, ये जल शक्ति मंत्रालय नहीं, कौन सा जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत तो योजना चलाई जा रही है, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय बताएगा कि इस नदी का जल प्रदूषित हो चुका। भाई समझ आई बात? या एक लाइन लिखो नीचे नोट में, ऐसे करके तीर का चिन्ह खींच लो, उसमें एक लाइन लिखो, लिखो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा देश की नदियों को अधिसूचित किया जाता है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा देश की नदियों को अधिसूचित करा जाता है, तो नदियों को अधिसूचित करने का काम किसका होगा? नदी अधिसूचित करने का काम पर्यावरण मंत्रालय का। नदी अधिसूचित मतलब कौन कौन सी नदी प्रदूषित हो चुकी, अधिसूचित कौन करता होगा? पर्यावरण मंत्रालय। याद रही बात? या नदी अधिसूचित कौन करेगा? पर्यावरण मंत्रालय। ऐसा लेकिन एक बात याद रखना, पर्यावरण मंत्रालय ना पता कौन सी नदी छोड़ देगा? गंगा नदी को, क्योंकि गंगा नदी के लिए हमने नया प्रोग्राम चला रखा, उसका नाम नमामि गंगे। नमामि गंगे, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, तो कौन सी नदी को अधिसूचित करने का काम किसका? पर्यावरण मंत्रालय का। ब्रैकेट में लिख दो गंगा तथा उसकी सहायक नदी को छोड़कर, गंगा तथा उसकी सहायक नदियों को छोड़कर, सहायक नदी को छोड़कर, इससे क्या होगा तुम्हारे याद आ जाएगा, नदी को छोड़कर। याद रही बात? या तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, बताओ जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना चलाई जा रही, यह गंगा तथा उसकी सहायक नदी के लिए है? अगर मैं पूछने लगा तुमसे, बताओ यमुना नदी के लिए है? यमुना के लिए है, क्योंकि यमुना में तो गंगा की सहायक नदी, घाघरा नदी है, घाघरा नदी तो घाघरा उसकी सहायक नदी। कौन से जो देहरादून में जो नदी बहरी उसकी आया नहीं है, जो गंगा तथा उसकी सहायक नदी है ना, उस पर योजना काम नहीं करने की, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। समझ में आई बात है? तो ऐसे सवाल देख पूछ सकते, ट्रिकी सवाल, तो बच्चा सोचेगा यार ऐसा तो हो सकता नहीं, हो सकता इतनी नदी का नाम हम कहाँ याद रखेंगे, उसके अंदर है तो तुम्हें सोचना गंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ। तो जिस बच्चे को गंगा की सहायक नदियाँ पता होगा तो आराम तो कर ले जाएगा, अगर गंगा वाला चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो बात कहाँ चलेगी, भूगोल में भी बात पर्यावरण में भी आएगी, और ऐसे सवाल दोनों जोड़कर पूछेगा, ऐसी जगह फंसाने के चांस रहा, इसलिए मैंने पहले लिखवा दिया वहाँ से साइड पर, इस पॉइंट पर तुम स्टार भी लगा सकते हो, पक्का फंसा गया से। समझ आई बात? वो देखना चाहो कितनी बुद्धि इसके अंदर, कितना डेप्थ में जाकर देख रखा उसने, डबल स्टार। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब और क्या है, ये भी समझ लो, और क्या है भला, पता लग चुका? चाहे नाम अधिसूचित करेगा कौन देगा? पर्यावरण मंत्रालय। ये केवल नाम बताएगा, इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? क्रियान्वयन लिख लो, क्रियान्वयन कौन करेगा? क्रियान्वयन जल शक्ति मान लिख लियो, शक्ति मंत्रालय लिखना, शक्तिमान बड़ा बढ़िया नाटकता है, मैं जम का देखता था उस नाटक को, जब जितने नाटक देखे ना मैंने शक्तिमान में जम का देखा बिल्कुल। अब जब ऐसा क्या सोचता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में कितना टाइम बर्बाद करा इधर देखा इतनी बात होता समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत? हमने गंगा परिषद ही बना रखी इसके अंतर्गत, गंगा परिषद, उसके अध्यक्ष पता कौन हो? प्रधानमंत्री। एक गंगा परिषद भी हमने, गंगा परिषद
इसके बारे में तुम्हें पढ़ना जाएगा, गंगा परिषद है क्या, इसका जो अध्यक्ष हो ना, याद रखना अध्यक्ष इसका, अध्यक्ष कौन होगा उसका, पीएम होगा। चुप हो जाओ, बात ना करो, सुन लो, ध्यान लगाएगा। तो जो प्रोग्राम चला रखा ना हमने, इसका इसके तहत ही गंगा परिषद बना रखी है, गंगा काउंसिल, उसका अध्यक्ष पीएम हो। और जो परिषद बना रखी है ना, उसमें जहाँ जहाँ भी गंगा गुजर रही है और जिस जिस राज्य से गुजर रही है, तो गंगा भारत के कितने राज्यों से गुजर बता दो, 5 या 8 राज्यों से, 5 राज्यों से, 5 के 5 के राज्यों को बैठा कर ना, जो प्रधानमंत्री वे डांट लगाते हैं, बेटा मेरी बात सुनो शांति से, सही बात यार, बुला के कौन हो तुम, उत्तराखंड के जी पुष्कर धाम जी, आ जाओ बेटा एक काम करो यहाँ टेबल बैठो, गंगा तुम्हारे इतने जाओ, जी गुरु जी, अच्छा गंगा परिषद है यार, दूसरे नंबर पर योगी जाए, योगी तो जो बराबर बैठेंगे साइड में, कि आपके बाद पीएम यही हूँ सीधा, समझ आएंगे, मतलब तुम बराबर बैठो, धामी थोड़ा दूर बैठा, धामी दूर बेटा, तो भी तुम्हारा काम नहीं आएगा, अब तुम बच्चे हो पीछे बैठो जाकर, बच्चों का काम, वो सबसे हैंडसम मुख्यमंत्री ना पूरे भारत के, सबसे हैंडसम पुष्कर धामी हमारे यहाँ के धामी जी, अब बच्चे बता कितनी गाली दे रहे हैं, कह रही ये हैंडसम ऐसे थरल लवली का कमाल है। उसके बाद तीसरे नंबर पर बिहार वाले नीतीश कुमार जी, कहाँ हो यार आप, तो बिल्कुल भी, अभी आप ऑपरेशन करवा के आए थे, अभी ऑपरेशन करवा गए ना सिंगापुर से, तुमने बता क्या, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री, उनकी लड़की ने फोटो डाल ली, उसे देख रहा था मैं, उसका ट्विटर हैंडल देख रहा था ना, उन्होंने फोटो डाल ली, देखो मेरे पिताजी ऑपरेशन करवा के आए, उनसे भी ट्विटर हैंडल, उसकी शादी नहीं हुई थी ना, तो देख रहा था, चुप हो जाओ, तो उन्होंने फोटो डाल ली, फोटो पर पता क्या लिख रखा था, फोटो बड़ी कमाल की चीज़ लिखी ना, हो सकता मेरे पिता बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, हम कोविड पॉजिटिव हो बाहर से आए, बिल्कुल, मैंने कहा वाह कितनी नैतिकता, इसके पीछे का राग घाट क्या हुआ दुनिया को पता सब, सही बात है, क्योंकि नेता हो ना, वे नेता सब सिर्फ पब्लिसिटी में अपना नाम पब्लिश करना चाहते हैं, कोई भी मेरे पिता से ज़्यादा में ज़्यादा नहीं मिलो, मतलब कितनी नैतिकता दिखा रही है, और उसके सारे राग घाट पता मुझे, मैंने कहा चलो ठीक है ले इंजॉय कर दो लाइफ का। तो तीन बुला लिए, उत्तराखंड वाले को बुला लिया, यूपी वाले को बुला लिया, बिहार वाले को, बिहार के बाद कौन सा राज्य से गुजरेंगे, झारखंड से गुजरेंगे, झारखंड के कौन अच्छी हम जल्दी बता करके बताना कौन सा, ठीक है, उन्होंने बैठा था साइड में, मैंने जहाँ खाली छोड़ दी उनकी, मेरे याद नहीं, उनका नाम नहीं दिमाग में घूम रहा, नाम नहीं याद आ रहा, तीसरे नंबर पे ले जाओ, तीसरे नंबर पर एक बार पश्चिम बंगाल वाली, वो पता क्या कहती है, नोएरी कौन सी गंगा परिषद खिचड़ी है ना वहाँ, तृणमूल कांग्रेस है वहाँ, अलग पार्टी वा बीजेपी, उन्होंने कह रही तू गंगा प्रधानमंत्री को, तू गंगा परिषद बना, मेरी तरफ तो कोई सी परिषद बना, मैं आती नहीं आती नहीं आती नहीं, इसका क्या केंद्र राज्य के बीच समन्वय की कमी, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी आती नहीं, जो करना कर लो, ऐसे समझ, ठीक, फिर मोदी जाते हैं, दीदी कहती है हम नहीं आएंगे, पूरी मजाक बनाते हैं, जानते हो दीदी क्या बोली, गंगा परिषद में नहीं आएंगे, ऐसे बोलते हैं, तो इनके जुमलेबाजी देखता रहता हूँ, तो गंगा परिषद उसके अंदर इस तरह की कहानी खा बैठती है, तो इनमें समय में नहीं बन पाता बिल्कुल भी, उसने कहा आती नहीं कोई बात नहीं, फिर गंगा को हम प्रदूषित करके भेज देंगे, पश्चिम बंगाल के लोगों को ब्लैक फुट डिसीज हो जाएगी, ब्लैक फुट डिसीज वही होगी, ये कह रही तुम टेंशन मत लो, समझ में आई बात, ये कहती पापा कैसे बोलती, अच्छा जब मुलायम सिंह थे यूपी के मुख्यमंत्री, तो बता कैसे बोलते थे, हाँ उत्तर प्रदेश को मचाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश उत्तर ऐसे बोलते पूरा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह जी जो डिलीट हो गए भी पिछले साल कोरोना के टाइम पे डिलीट नहीं हो गए पिछले साल, मुलायम सिंह भी पद्म विभूषण में नाम आया उनका, पद्म विभूषण दिया जा रहा ना, पद्म पुरस्कार मरने के बाद, बस अच्छा काम करा उन्होंने समाज को आगे बढ़ाया, तो गंगा परिषद होगी, तो गंगा परिषद के बारे में डाल के तुम्हें पढ़ना कौन कौन क्या क्या इसका इसकी बॉडी इस बॉडी के बारे में जरूर पढ़ना तुम्हें, स्टार लगा दिया हूँ गंगा परिषद गूगल सिलेबस आगे जब बढ़ाई, जो वीडियो देख रहे होंगे ना तो चुपचाप गंगा परिषद जाओ सर्च करो, नहीं तो मारूंगा बहुत वीडियो में निकलकर मारूंगा, ठीक, आलस नहीं दिखाने का, अभी 2022 की खबर है मेरे पास, पढ़ के सुनो, कैसा कैसा पीस पड़ा हुआ है, इसी कार्यक्रम से जुड़ी हुई जो मैंने तुम बताया ना राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना,
इससे जुड़ी मेरे पास एक खबर आई, 16 फरवरी 2022 की खबर है, पढ़ना चाहोगे? 2022 की बात कर रहा, 23 की नहीं। हाँ, क्या लिखा हुआ, सुनना ध्यान लगा कर, ध्यान से सुनना, सुनो मेरे मित्रों सुनो। अच्छा जरूरी नहीं है जो नदी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना चलाई जा रही है, इस योजना के तहत पूरी नदी को अधिसूचित करके देगा पर्यावरण मंत्रालय। जैसा अच्छा गंगा नदी पर नहीं काम करने का, समझ आई बात? या देश के अंदर जो भी नदी, जैसे इसने कहा देवकी की नदी है जम्मू कश्मीर के अंदर, यह अधि प्रदूषित हो चुकी, देवकी नदी तो जम्मू कश्मीर के अंदर है, देवकी नदी अधि प्रदूषित हो चुकी, तो उन्होंने लगा अधि प्रदूषित हो चुकी, तो जहां तक नदी प्रदूषित हो चुकी ना वहां तक कब बचाएंगे, फालतू की पैसा खर्च कर, समझ आई बात? या तो यह पूरी नदी को बचा सकते हैं, या तो पूरी नदी, तो जहां तक नदी नदी प्रदूषित हुई ना वहां तक बचाएंगे। जैसे एक खबर आई मेरे पास, पढ़ो सुनो, तुम चाहे तो उसे नोट भी कर सकते हो, ताजी ताजी खबर है, देवकी नदी परियोजना। जो देवकी नदी परियोजना अलग चलाई क्या? हाँ, ये जो छोटी छोटी परियोजना चलाई जा रही है ना, ये इस सब इसका ही पार्ट है, देश के अंदर जो छोटी परियोजना चलाई जा रही इसका ही पार्ट है सब। इसमें लिखा हुआ अभी देखो, पढ़कर सुनाता हूँ, हाल ही में केंद्र द्वारा सूचित किया जा रहा किया गया है, केंद्र के द्वारा, इसका मतलब केंद्र सरकार जो चला रही परियोजना है सर, कि 190 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली देवकी परियोजना। अच्छा 190 करोड़ रुपये लिखा जरूरी है, लगे नहीं आए थे इसमें, 2 करोड़ रुपये ढंग से लगे, अच्छी बात है, इसमें समझ आई बात? यह ठीक, वो सब नेताओं के खाते में जाओ, उनके बच्चों के, उनके सब खाते में जाओ, जो उनसे मंत्रालय ना उनका बहुत बड़ा परिवार है भाई, उनमें तो देखना वे बाहर पढ़ रहे, 25 लाख रुपए तो बैठ कर होटल वाले चाय पीवे, एक रात गुजार रहा है, एक नाइट के 25 लाख रुपए, रुकना बस वहाँ से घूमना अच्छे अच्छे तरीके से, ऐसी ऐसी जिंदगी जीवन के बच्चे नेताओं के, समझ गए? तो इनकी सबकी खबर रखूँ मैं, कौन कहाँ कहाँ जा रखा है, इसलिए खबर रखूँ मैं, पैसा खर्च कर रहे, और तुम बताओ पता नहीं क्यों खर्च कर रहे, सबकी खबर रखता हूँ मैं, ठीक है? ए दूसरा सुन लो, यहाँ लगा देखो, देवी का प्रोजेक्ट जून 2022 तक पूरी हो जाएगी, रिवर देवी का प्रोजेक्ट है वो। उसके बाद खबर क्या आई, देवकी नदी परियोजना, हो सकता है इस बार यही सवाल पूछ रहे, देवकी नदी परियोजना कहाँ से थी, लेकिन इतनी बदतमीजी खिलाने का नहीं, वो तुम पूछेगा किसका पार्ट है, इसी का तो पार्ट है, ऐसे सवाल पूछ रहे, नदी संरक्षण परियोजना, बच्चे सोचो पता नहीं कहाँ से निकालने सवाल, उसको नहीं निकालने का, फिक्स उसका चलेगा भाई। इस परियोजना का कार्यक्रम मार्च 2019 में शुरू करेगी थी, देखो नदी, मैं खबर पढ़कर सुना रहा हूँ, तुम कैसे जोड़ोगे, हो सकता है कल कुछ और आ जा, 30-40 के आसपास ना इस परियोजना में 40 नदियाँ समिति कर रखी, 40 की 40 का तुम देख लेना जाकर पोर्टल पर जाकर, गूगल पर जाकर कौन सी नदियाँ, आदमी 40 पता 30 तुम्हारे याद होगी, जस्ट 10 तुम्हारे याद नहीं होने लिख लेना उठाकर, समझ गए तुम इसके अंदर कितनी नदी, इसके अंदर इस अब तक राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत कितनी नदियों को शामिल करा गया, कहीं भी देख रहा था कहीं तो लिखा हुआ 35, कहीं लिखा हुआ 40, तो 40 के आसपास है, समझ 40 नदियाँ इसमें शामिल है, और देख लेना सारी नदियाँ तुम्हारी पड़ी हुई क्या, और कौन से, एक तरफ नदी लिखना, एक तरफ उनका राज्य का नाम लिखना, समझ गए, एक तरफ नदी लिखना, एक तरफ क्या लिखना, राज्य का नाम, या नदी यहाँ से इस राज्य की है, तो मैं पढ़कर सुनाता हूँ पूरी खबर, सुन लो तुम, खबर नहीं लिखनी तो बता रहा हूँ कि हम किस तरह करंट अफेयर को पढ़कर इस तरह इसके अंदर ऐड ऑन करते हैं, अगर भविष्य में कुछ भी पढ़ोगे ना तुम, पढ़ते वक्त उससे जुड़ रहा, घुसा दो अपने नोट्स में जाकर। इस परियोजना का कार्य, जो परियोजना जम्मू कश्मीर चलेगा, यह कार्य 2019 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, गंगा तो रिलेटेड है नहीं है, मैंने पहले बताया क्योंकि इसमें गंगा नदी और उसकी सहायक नदी आने की नहीं, समझ में आई बात है, 2019 में शुरू करा गया था। आगे क्या कहती है खबर, परियोजना के तहत देवकी नदी के तट पर स्नान घाटों का विकास, देवकी नदी की बात कर रहे हैं केवल, नाम ही उसके नाम से चले, नदी घाटों का विकास, अच्छा जो घाट में अच्छी तरह साफ सुथरे होने चाहिए, उनको प्रदूषण नहीं होना चाहिए, उनका विकास, अतिक्रमण हटाना, कुछ लोग ऐसे बात देखा यहाँ घाट तो उसके बराबर ही झोपड़े बना ली, इन्हें हटाओ, ये भी तो प्रदूषण फैला रहे, कुछ खाया पिया फिर नदी के अंदर, कुछ खाया पिया फिर नदी के अंदर, अतिक्रमण होगा नहीं उसे हटाओ। इस योजना प्राकृतिक जल निकायों को बहाली और शमशान भूमि के साथ जल ग्रहण क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा, शमशान भूमि के साथ एक तरफ लगाओ, और उसमें क्या कहा गया, प्राकृतिक जल आना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल जल नहीं चाह रहा बिल्कुल भी, उसका भाव वो बहता हुआ जल होना चाहिए, ये इस परियोजना में कहा गया, पर लिखनी नहीं तुम्हें, तुम चाहे तो बस परियोजना का नाम लिखो, जम्मू कश्मीर का नाम इतना लिख दोगे, 2019 में चलाई गई थी जब अपना नोट्स बना रहे होंगे, तुम बता रहे हो खबर कैसे पढ़ते कैसे जोड़ते हैं। उसके बाद ये बताना चाह रहा है ये योजना इसके अंदर इसका पार्ट है, और यूपीएससी ऐसे सवाल पूछेगा ये देवकी नदी परियोजना ये कौन सी किसका भाग, तो ऐसा डाल देगा वो नमामि गंगे का भाग, तो तुम हाँ मैंने बैठोगे कहीं गलत हो, वो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का भाग, समझ नहीं बात है, जब कुछ हार्ड सवाल नहीं पूछता, इतनी सी बात पूछी बस सुन, आगे पूछेगा सवाल देखो, इन तीन देखो क्या लिखा हुआ, इस योजना में 3 सीवरेज उपचार संयंत्र, 129.27 किलोमीटर लंबा सीवरेज नेटवर्क, और 2 दाह संस्कार, ज्यादा दाह संस्कार नहीं होता, दाह संस्कार हो वहाँ अस्थि डाल ली जा, अस्थि विसर्जन कर देते हैं, ठीक, तो उनका ना सही तरीके से सुनिश्चित तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अस्थियों का तुम डाल ले उसके अंदर, कुछ और देखो ना इसका, कुछ इसका प्रबंधन करो, समझ नहीं बात यार, अस्थियों को पहले ना
मॉडिफाई कर तब डाल लो उनके अंदर, तो अशुद्धि खत्म हो जा। जब इंसान डिलीट होगा वो डीएनए तो था पूरा जल चुका, उसके अंदर डीएनए मौजूद है, और डीएनए के अंदर नाइट्रोजन पाया जा, और नाइट्रोजन तो मिलकर बनने लगा अमोनिया, और अमोनिया पानी के अंदर बढ़ जाएगा। अगर अमोनिया पानी के अंदर बढ़ेगा, ये बात मैंने तुम बता रहा कि क्या कितने प्रकार के रोग उत्पन्न हो जा, समझ में आया बात यह सब जी। पर्यावरण के लिहाज से सोचो, सुन लो, और गुरुदास नाम है उनका, जी डी अग्रवाल साहब, यूट्यूब गूगल पर जाकर डालकर पढ़ना ना, आईआईटी के प्रोफेसर थे, मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाओ करिए थोड़ा डाल दो, पहले इसके बारे में समझ लो। उनकी 2018 में नियुक्ति होगी, मैं कहते हैं नदियों बांध बनाए जा रहे हैं, बंद करो यार, नदियों बांध बनाए जा रहे हैं उत्तराखंड की नदियों पर जो बांध बने हुए हैं, इन्हें बंद करो, रोको इन्हें, इनके जितने काम चले सब बंद करो, ये किसी काम के नहीं है। इतनी भी और के ना उन्होंने हड़ताल करा, और हड़ताल करके पता क्या हुआ, उन्होंने काम जब तक खाना नहीं खाने का, जब तक तुम्हें काम नहीं रोकने के, सरकार ने काम नहीं रोका, और 2018 में उनकी हड़ताल, वो भूख हड़ताल में मृत्यु होगी। फिर बाद में जाकर ना इनके पर्यावरण मंत्रालय और इनके सारे मंत्री अपने लेटर जारी कर रहे, इसी बीजेपी सरकार की बात है। प्रोफेसर जी डी अग्रवाल नाम था उनका, गुरुदास अग्रवाल, अभी जी डी अग्रवाल, गुरुदास अग्रवाल, 2018 की खबर है, न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा हो, देखो जुड़ी बात या। चलो देखो, सीवरेज उपचार संयंत्र, ये जो कह रहे दाह संस्कार इसे विकसित करेंगे इस योजना में, परियोजना की पूरे होने पर नदियों के प्रदूषण में कमी आएगी और पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा। कोई परियोजना इसलिए तो चला जा रही, ठीक है, लेकिन हुआ क्या समझ लो, इसका महत्व क्या था, देवकी नदी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हुआ। पहली बात, देवकी नदी जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पहाड़ी सुध महादेव मंदिर से निकलती है, तो हो सकता है नदी का नाम देकर तीन नदियों का नाम देता, उन्होंने पूछा मैचिंग करवा कौन कौन सी नदी कहाँ की, तो देवकी नदी का नाम आया, तो जम्मू कश्मीर की नहीं हो गया, ऐसे टकरा जाए सवाल राह में चलते हुए, समझ में बात, या कुछ ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछता। पश्चिमी पंजाब और पाकिस्तान की ओर बहती है, यह रावी नदी में मिलती है, देवकी नदी रावी नदी में मिला जाकर, ठीक। इस नदी का धार्मिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें हिंदू द्वारा गंगा नदी की बहन के रूप में मान्यता प्राप्त है, इतनी बात बताओ समझे, गंगा नदी की बहन के रूप में मान्यता प्राप्त है। जून 2020 में उधमपुर में देवरी नदी पुल का उद्घाटन किया गया था, इस पुल के निर्माण का उद्देश्य यातायात की भीड़ से निपटने के लिए बनाया गया था, और सेनाओं के लिए भी फायदेमंद होगा। देवकी नदी ठीक ठाक तरीके से महत्व है इसका, हमें इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। हेलो, अच्छी तरह देखो, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, अब इसे पढ़ना चाह रहा हूँ, ये तुम्हारे काम का यू हो बैकग्राउंड, ये तो ऊपर तो करंट अफेयर था, इसके पीछे का बैकग्राउंड ये हो, ठीक। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, यही तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, देखिए वही बात लिख रखी है क्या, वर्ष 1995 में शुरू की गई एक केंद्रीय वित्त योजना है, इसे सारा पैसा केंद्र से मिला, राज्य थोड़े पैसे दे रहे थे, तो केंद्रीय वित्त योजना है, वित्त का मतलब धन, उसके बाद जिसका उद्देश्य नदियों में प्रदूषण को रोकना है, तो मैंने कहा धनिया बताया मैं कुछ गलत थोड़ा रहा, प्रदूषण को रोकने पर यह चल क्या रहा है। उसके बाद आगे चलो नदी संरक्षण से जुड़े, सभी कार्यक्रम नदी संरक्षण योजना, नदी संरक्षण से जो नदियों का संरक्षण करने से संबंधित जितने भी कार्यक्रम चलाएंगे, कुछ भी चलाओ, वो सभी इसमें आगे जुड़ जाएगा। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन, राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण, ये प्राधिकरण इसके बारे में जरूर पढ़ना तुम, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, नेशनल राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी के तहत संचालित किए जा रहे हैं। दोबारा फिर समझ लो, उसका नाम लिखो, दोबारा लिखो उसका नाम, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल एक अर्धन्यायिक निकाय है, एक प्रकार का हो, पॉलिटी में पढ़ा हुआ तुमने, एक प्रकार का अर्धन्यायिक निकाय है, लिख दिया। उसके बाद नीचे जाओ, देखो यहाँ देखो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, सुनो, राष्ट्रीय गंगा परिषद, जिसे गंगा नदी के कायाकल्प संरक्षण प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय परिषद के रूप में भी जाना जाता है, ने राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण की जगह ले ली है। अब मेरी बात सुनो, गंगा परिषद की जगह ना अब आई एक अथॉरिटी बना दी हमने, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, तो गंगा परिषद की जगह अब गंगा परिषद नहीं है, अब गंगा परिषद को ही इसमें बदल दिया, समझ बात, फालतू खर्चा नहीं करना चाह रहे, गंगा परिषद का ही नाम रख दिया जो मैंने तुम्हें लिखवाया, अभी नाम बताओ क्या है इसका, पता लग गया तुम्हें, इसके बारे में तुम्हारा पढ़ना तुम्हारा काम है, होमवर्क पता लग गया क्या है, समझ आई बात, या ठीक। चलो अब एक थोड़ा और आगे पढ़ता हूँ, अब मैं तुम्हें NRCP, N का मतलब नेशनल, R का मतलब रिवर, C का मतलब कंजर्वेशन,
कंजर नहीं है, कंजर्वेशन ठीक है, मतलब क्या प्लान। तो इसके बारे में हम करना क्या है, इसके बारे में देखो पढ़ना क्या है। नंबर फर्स्ट पढ़ना इसकी गतिविधियां क्या क्या, इसकी अंतर्निहित गतिविधियां, इस प्रोग्राम का काम क्या है, इस योजना का काम क्या है, सारी की सारी लाइन में पढ़कर बता रहा हूँ, और ये सारी लाइन नोट करनी, मेंशन करनी जरूर, इसका काम पता होना चाहिए। लिखने का मौका मिलेगा मेंस में यहाँ तक कि जो राष्ट्र प्रोग्राम चला जा रहा है, हमारे यहाँ योजना चला जा रही है, उसका काम क्या है। अब ध्यान तो सुन लेना इसका काम क्या है। अब इन सब बातें मैंने तुम्हें खास बातें बता दी। खुले नालों द्वारा नदी में बहने वाले कच्चे मल को रोकना और शोधन हेतु उनका पथांतर करने के लिए दिशा निर्देश तथा दिशा परिवर्तन का कार्य करना। बात समझ गए क्या? खुले नाले जा रहे हैं ना, ठीक, जो ओपन जो सिवरेज जा रहा, जो गटर जा रहा, जो नाला जा रहा, उसका जो पानी सीधा जा रहा, उसे रोकना, उसके लिए गाइडलाइंस देना, उसके लिए दिशा निर्देश जारी करने का काम इस योजना के तहत किया जाएगा। समझ में आया बात? या आगे चलो, पथरांतित वहित मल जल का शोधन करने के लिए जल शोधन संयंत्र सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इनके बारे में बताना कि प्लांट लगाओ अपने यहाँ से भाई, ठीक। नदी बताएगा ना कि कैसे प्लांट लगाना चाहिए, कहाँ से योजना मिलेगी, कहाँ से तकनीक मिलेगी, कैसे लेकर आओगे, कैसे लगाओगे, मशीन कहाँ मिलेगी, कितने रुपए की मशीन होगी, इस पर तुम्हें सब्सिडी भी मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा तुम्हें। आ जाओ आगे चलो, नदी तटों पर खुले में मल त्याग की रोकथाम के लिए अल्पगत वाले शौचालय। नदी तट पर ना, ये बहुत नदी तट पर जाकर बाथरूम के लिए जाते हैं, छोड़ दो, एक काम करो वहाँ शौचालय बना दो। ये बात, उसके बाद और सुनो, लकड़ी के प्रयोग को संरक्षित करने के लिए विद्युत शवदाह और उन्नत काष्ट शवदाह घरों का निर्माण करना और शवों का उचित दाह संस्कार सुनिश्चित करना। जिस शव जलाए जा रहे हैं ना, इन तो बहुत प्रदूषण हो रहा है, इन्हें वहाँ से हटाकर कहीं और लेकर चला जाना। समझाई बात? इनके लिए नई तकनीक खोजना सब इसका काम होगा। समझाई बात है? लोगों को जागरूक करना, देखो अमेरिका में ऐसा हो, तुम क्यों वहाँ चक्कर में पड़ रहे, यहाँ भी ऐसे ही कर लो, दिक्कत क्या हो रही। अब तो गया जिस जाना था। स्नान घाटों का सुधार जैसे नदी तटग्रह और विकास कार्य, वो सब वही चीज़ें नहीं आए। उसके बाद और क्या है, जन जागरूकता और जन सहभागिता फैलाना, जन जागरूकता जन सहभागिता फैलाना इसका काम होगा। जनता कहो तुम भी पार्टिसिपेट करो यार, हमारे मोदी झाड़ू मार के गए, थर्मोकोल नहीं आएगा, वे तो एक दिन झाड़ू मारा, तुम पूरी दिन झाड़ू मारो उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? अगर चलो, नदी संरक्षण के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण देना, अनुसंधान रिसर्च करना, खोज करना, नई टेक्नोलॉजी का विकास करना, सब इसका ही काम होगा। अन्य विविध कार्य जो मानव की आबादी के संपर्क में सहित स्थान विशेष स्थितियों पर निर्भर करते हैं, वो सब चीज़ें इसके लिए रखी, तुम इसकी गतिविधियाँ जरूर लिखनी, क्या क्या इसकी गतिविधियाँ हो। ऐसा करके हमारा जो NRCP है ना, खत्म हुआ, और तुम्हारा काम हो गंगा परिषद तो अब जब तब्दील हो चुकी, नाम लिखवाया मैंने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, उस अथॉरिटी के बारे में जरूर पढ़ना, एक प्रकार का अर्धन्यायिक निकाय है वो। समझ में आया बात? इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं आई, ये वाला प्रोग्राम मेरा खत्म हुआ नहीं हुआ आज, मन पर यूँ बता दो मुझे, ये केवल गंगा नदी के लिए है, गंगा नदी के लिए है क्या ये प्रोग्राम, नहीं, ये योजना है नहीं है ना? गंगा नदी को छोड़कर, उसकी सहायक नदी को छोड़कर, देश के अंदर जो भी नदी आ रही है ना, सबके लिए। वह नदी का नाम कौन बताएगा? पर्यावरण मंत्रालय बताएगा नदी का नाम। अधिसूचित कौन करेगा नाम नदी का? पर्यावरण। और काम कौन करेगा? बात समझ में आई है? और अच्छी तरह पढ़ना हो तो गूगल पर जाकर यही नाम लिख देना, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, पूरा पढ़ना, तमीज के बारे में बैठ के एक चीज। समझ में आई बात? या और दूसरी चीज क्या पढ़नी, गंगा परिषद की जगह जो मैंने तुम्हारा नाम लिखवाया, अभी क्या नाम लिखवाया बताओ, इसके बारे में, इसके अंदर कितने सदस्य हो, कैसे कैसे काम हो उसमें, इनके थोपड़े भी देख लिए, इस तरह बैठक आया अगर ऐसे समन्वय करेगा, पाँच के पाँच राज्य जो अलग अलग देश के जो मुख्यमंत्री में आएंगे क्या, जहाँ जहाँ विवाद चल रहा है निपटाने, क्योंकि इसमें ना गंगा परिषद कहाँ जाएगी इसमें, अथॉरिटी है तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, पढ़ना इसके बारे में पहले बताना मुझे, ठीक। इस पर जो राष्ट्रीय गंगा नदी परिषद आ गई ना, जो गंगा परिषद आ गई, उस प्रोग्राम के तहत नहीं आने की, इससे अलग से पढ़ना, इसके बारे में डाल के जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा, फिर नहीं कहीं कन्फ्यूजन होगा तो मुझे बता देना। अथॉरिटी जो नाम लिखवाया मैंने उसके बारे में पढ़ना जरूर जाएगा। बात समझ में आई है? हम पढ़ेंगे नमामि गंगे के बारे में, कौन सा, कोई दिक्कत यहाँ तक?